एंड यू वी गो लाइव चेक वन टू थ्री प्लीज एक बार कंफर्म कर देना इफ वी आर लाइव जो भी लाइव देख रहा है यस yes, गाइस यस चलो भाई वी आर लाइव लेट द गेम बिगेन गाइस ग्रेट चलो आज इस पे ही है अपना लाइव सौरभ सो वेलकम एवरीबॉडी कितने एक्साइटेड हो बैच के लिए बताओ ग्रेट सो वेलकम टू इच वन ऑफ यू भी एक एक का नाम तो नहीं ले सकते आशु सौरभ जया वैभव शिखर श्रुति एटसेट्रा एटसेट्रा डू शेयर ऑल्सो वेर आर यू गाइज फ्रॉम ठीक है सो so, जो भी अभी ज्वाइन किया है डू शेयर वेर आर यू विच पार्ट ऑफ इंडिया आर यू फ्रॉम ठीक है एंड बस एक दो मिनट में द गेम इज अबाउट टू बिगिन एंड गाइज एकदम फ्रेश हो ना बिकॉज़ एकदम हाई लेवल का सेशन लेने वाला हूं मैं आज तुम लोग के साथ आर रेडी? यस वी हम्म यस डू शेयर योर प्लेस ऑफ लोकेशन एंड बस फिर स्टार्ट करते हैं दो मिनट में moment yes okay okay so we have people from saurabh bhopal ashwini bangalore uh, ranjit bangalore himanshu lucknow delhi mumbai amdabad wapi and somebody is wishing i was in switzerland ongle andhra pradesh great Sure, guys let the game begin I am sure it is going to be a best session for you. Hmm. Parajit Roy, sir, I have purchased your live class, but app me live show नहीं कर रहा है because live YouTube पे है, so app me live show नहीं करेगा आज. Uh, we are conducting it on live on YouTube, so आप YouTube पे ही रहिए. यहाँ पे आपको जो भी है चीजें आप डिस्कस करते रहेंगे. Yes. Raj Patel from Ahmedabad.

पलक फ्रॉम अमृतसर देहरादून प्रीति फ्रॉम नेपाल ग्रेट सो अच्छा खासा डाइवर्सिटी है इस बैच में नमस्ते मैं हूसी अंकल कांस्टिया स्वागत है आपका इस पावर पैक सेशन में ऑन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सी ए फाइनल पेपर टू Are you ready to learn something new? Then let the game begin, guys. So mera sa, chota sa, ek introduction ke sa, main start इस session को and then as they say एक history बनानी है अपने को इस पूरे के पूरे batch के लिए guys मैं आपको सिर्फ एक ही expectations के साथ इस बैच को स्टार्ट कर रहा हूं दैट जितना हो सकेगा कम्युनिकेटिव जितना अपन लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते जाएंगे ट्रस्ट भी उतना मजा आने वाला है इस बैच में एंड आग लगा देंगे इन टर्म्स ऑफ द मार्क्स दैट वी आर गोइंग टू सिक्योर सो माई सेल्फ सी एसल्प काोफेशन चार्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑब्वियसली टीचिंग एक पैशन की तरह आया यहाँ पे एंड वेयर आई बिलोंग फराजित रॉय रॉय सरनेम से हमको पता चल गया था कि आप वेस्ट बंगाल से हैं एंड मैडम है भी कोलकाता से कैसे हो ना चलो सो हम्म यस अरुण दिल्ली ग्रेट सो लेट्स स्टार्ट जैसा मैंने आपको बोला दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी सो जब मैं अपना सीए का एग्जाम्स क्लियर किया सो आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीएस बाय 22 एंड बहुत एक्साइटेड था लाइफ में कि कुछ अब नया करना है कुछ अब बड़ा करना है एंड आई कैन लिटरली फील दैट सेम वाइब आप लोगों के अंदर भी है नाउ व्हेन आई क्लियरड आई जॉइंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी एंड दैट वाज जेपी मॉर्गन वहां पे मैंने अप्रोक्सिमेटली फोर इयर्स के लिए काम किया एंड देन ऑब्वियसली बोलते हैं ना दिल यहां पे ले आया सो अप्रोक्सीमेटली फोर टू फाइव इयर्स मैंने प्रैक्टिकली काम किया है असेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ड्यू ड्यूटिलीजेंस टीम में एंड जो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो चीजें मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूं एक मल्टी कंपनी के लिए विच हैज इट्स ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने यूएसए के क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है यूके के क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है एंड ऑल ऑफ दोज डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एंड यस इट विल बी अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस राइट मृत्युंजय झा फ्रॉम बिहार विशाखापटनम हैदराबाद मोहम्मद रियाज चलो ग्रेट यार ग्रेट ग्रेट टू नो दैट वी हैव सो मच डाइवर्सिटी इन वन बैच इट सेल्फ राइट ठीक है चलो सो so, ये मेरे बारे में था जेपी मोगन की और कुछ डिटेल्ड कहानियां हैं वो कभी आप लोगों के साथ मैं सुनाऊ सुनूंगा मतलब मेरी बातें बताऊंगा यूल बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट कंपनी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वॉज दैट बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पे एंड बस यही है यही चीजें आप लोग के साथ डिस्कस करते करते सो एक प्रैक्टिकल लेवल पे अपन लोग चीजों को सीखेंगे प्रैक्टिकल लेवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑब्वियसली करना ही है बट मार्केट के साथ कैसे ये सब्जेक्ट कनेक्टेड है बिकॉज अभी आप लोग को पता होगा दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ फाइनल लेवल स्टूडेंट इज दैट ही शुड हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द मार्केट एज वेल खाली वो बुकिश मॉड्यूल और वो पढ़ के ही चीजें नहीं चलेगी बिकॉज़ आप लोग के पास आ गया एक पेपर 6 आईबीएएस इंटीग्रेटेड बिजनेस केस स्टडी सो ऑब्वियसली द एक्सपेक्टेशंस आर एट अ हाई लेवल एंड डेफिनेटली अपने को पढ़ाई भी उस हिसाब से ही करना है पूरा देसाई पुणे ग्रेट अच्छा अब बिफोर आई गेट द थिंग्स गोइंग फ्रॉम माय एंड मैं आप लोग के साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि अपने सब्जेक्ट में टॉपिक्स कौन से कौन से हैं वो डिस्कस करूं क्यों ना उसके पहले दो मिनट आप लोग भी मुझे बताओ कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रॉम दिस बैच फ्रॉम मी सीए संकल्प कांस्टेय आगे भाई सर एक काम करना सर आप है ना होमवर्क कम देना नहीं नहीं सर एक काम करो होमवर्क ज्यादा देना सर हम लोग के टेस्ट लेते रहना ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर एंड सो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं सो दैट अपन लोग एक दूसरे के साथ अभी से ही कम्युनिकेट करना चालू कर दे एंड टेक थिंग्स टू दर लेवल दूसरा चीज आज फर्स्ट सेशन है अब यूजली तो फर्स्ट सेशन में कोई भी क्या एक्सपेक्ट करेगा कोई भी स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करेगा कि सर आज तो है ना एकदम सिंपल रखना एकदम लाइट रखना बट वॉट इफ आई डू समथिंग एल्स वॉट इफ आई कीप टूडेज सेशन लाइव वायर मतलब आज के सेशन से निकलने के बाद आप लोगों को एक फीलिंग आएगा कि आप शायद एक आर के गवर्नर हैं क्या बोलते हो क्या मैं आज ही फर्स्ट डे पे ही तुम्हारे को वो लेवल पे ले जाऊं जहां पे अपन लोग बात करेंगे यूएस डॉलर का क्रूड ऑयल का इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट्स का मॉनेटरी पॉलिसी का ये सब के बारे में क्या आप लोग मेरे साथ जानना चाहेंगे आज फर्स्ट लेक्चर में ही एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल से कैसे कनेक्टेड है अपना ये सब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाट माय एम विल बी कि आज से ही एक ब्रेन क्रंचिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग चालू हो जाए ताकि यस नेक्स्ट लेवल मजा आ जाए एंड डेफिनेटली इस बात के लिए एक लाइक like जरूर पुट अप कर दीजिएगा फ्रॉम वेर यू आर इन द कंट्री और वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब रिकॉर्डेड बाद में कभी भी यस योर लाइक एंड शेयर मेक्स अ डिफरेंस लेट्स डू इट सर मेरा ए एफ एम बिल्कुल भी नहीं हुआ है माय फर्स्ट पॉइंट वाज मेरा सबसे पहला पॉइंट ये बैच के लिए वही है अगर आपका ए एफ एम पहले कभी भी हुआ है तो प्लीज उसको शिफ्ट कंट्रोल डिलीट कर देना और अगर आप एकदम फ्रेश हो इन टर्म्स ऑफ दिस सब्जेक्ट देन प्लीज वेलकम दीज आर द स्टूडेंट्स दैट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर द सौरभ बस तू अब से मेरे लिए एक बेंचमार्क बन गया तो मैं हर सेशन में पूछूंगा सौरभ तेरे को समझा क्या अगर सौरभ ने बोला हाँ सर तो सौरभ भाई फर्स्ट टाइम ए एफ एम का उसको फुल फॉर्म ही आज पता चले तो अगर उसको समझ में आ गया तो मुझे समझ जाएगा कि बाकियों को भी समझ गया क्या बोलता है सौरभ डन ग्रेट सेकेंड पलक चौहान बोल रही सर मैंने किया है बट सर कभी ये एफ एम एस एफ एम समझ में नहीं आया एंड आई एम वेरी वीक इन दिस सब्जेक्ट सो सेकेंड मेरी बेंच मार्क है पलक चौहान तो पलक तेरे को भी मैं पूछूंगा क्या समझा तेरे को अगर पलक ने अपने को बोला यस yes, सर समझ में आ गया सौरभ ने अपने को बोला समझ में आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई चलो बेस लेवल पे अपन लोग चीजों को समझा चुके राइट आई एम ऑल्सो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट मृत्युंजय अरे एवरीबडी मुझे पता है आई एम स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम राज पटेल और एड गाइस राज पटेल मृत्युंजय इन शॉर्ट ये जो बैच है तुम लोग ने सब लोग फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो मुझे समझ में आ गया तो तुम लोग रेगुलर बैच ना लेके एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट टैग इसलिए ले रहे हो ताकि तुम्हारा पैसा बच जाए बराबर कहीं कॉस्टिंग मेरे से ही बड़े हो क्या कॉस्ट बचाना सीख रहे हो हम्म वेरी गुड चलो ग्रेट एनी वेज सो डोंट वरी फॉर दैट गाइज एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो रेगुलर बैच हो कॉन्सेप्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता फ्रॉम एंड वी विल कवर एवरीथिंग सो यू कैन बी रेस्ट श्योर दक्षता हंस एस एफ एम की वजह से कभी सीए फाइनल ग्रुप क्लियर नहीं हुआ यू विल चेंज योर स्टेटमेंट आफ्टर ट्वेंटी डेज प्रॉबली टेन डेज तीन साल पहले पढ़ाई कुछ याद नहीं है ग्रेट है शामला चलो चलो ठीक है ठीक है आई गॉट इट सो फर्स्ट टाइमर्स है अपने पास सब नहीं भी होते तो भी पढ़ाता मैं वैसे ही सो ड मैटर ग्रेट हाय किरण हैप्पी टू सी यू एज वेल यस 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 श्योरली चलो तो अब मेरे को बताओ कि सिंस तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये कुछ भी नहीं पता है कि इस सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक है तो वो अब मैं लिखने जा रहा हूं एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू राइट दैट अपन जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दिस सब्जेक्ट इज पेपर टू ए एफ एम एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर टू ए एफ एम एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यस सो पहले इसका नाम हुआ करता था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब नाम हो गया है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या इसमें एडवांस्ड हुआ है वो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा ग्रेट चल सो so, अब मैंने आप लोगों को एक चीज पूछी थी कि क्या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे आप लोग सब लोग ने बोला यस yes, सर ठीक है डन तो सौरभ और पलक को अपन लोग ने अपना बेस बना लिया है दूसरा कि क्या आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में पता है कुछ भी तो आंसर इज नो बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और मैंने आप लोगों को पूछा था कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या है तो उसके ऊपर मैं पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि क्या एग्जैक्टली exactly इस सब्जेक्ट में है और आने वाले दो महीने मैं जैफा, जैफा जैफा बोलूंगा वैफा वैफा आप लोगों को करते जाना है एंड यस वी विल बी ऑन द राइट ट्रैक नाउ लेट स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट फ्रंट सो एज आई टोल्ड यू पेपर टू ए एफ एम ऑफ योर सी ए फाइनल करिकुल इस सब्जेक्ट को मैं पर्सनली डिवाइड करता हूं चार पार्ट में ठीक है इस सब्जेक्ट को मैं चार पार्ट में डिवाइड करता हूं और आज से आप भी इस सब्जेक्ट को इस चार पार्ट में डिवाइड करके हिसाब से ही पढ़ाई करोगे ठीक है सो फॉर यू फ्रॉम द ऑन दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट जिसको अपन लोग बोलेंगे फेजेज एक्सपेक्टेशन इज टू सिक्योर एग्जामेशन दैट्स टेशन इज टू गो मच बियॉन्ड एंड कैसे वो होगा वो भी आप लोग देखते जाएंगे फॉर द वर्ल्ड दिस में बी ए एफ एम फॉर अस इट इज डिवाइडेड इन टू फोर फेजेसाइज सो पहला क्या है फेज वन उसके बाद में आता है मेरा फेज टू फिर आएगा फेज थ्री एंड देन वी हैव फेज फोर सो आज के बाद यह चार फेजेज में ही अपने आप को डिवाइडेड रखिएगा इन टर्म्स ऑफ द होल पोर्शन क्या है वो चार चीजें फेज वन फेज टू फेज थ्री फेज फोर पढ़ाऊंगा भी मैं इस फेजिस के हिसाब से ही इन ऑल प्रॉबिलिटीज तो सबसे पहला फेज तो क्या क्यों मैंने ये फेज में डिवाइड किया है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं सो so, चार तरह के काइंड ऑफ टॉपिक्स है एक ये मैं आपको बोलूंगा कि काइंड ऑफ अ मीडियम फेज है इससे अपन स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छे लेवल से चीजें स्टार्ट होगी फिर जाएंगे अपन लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज पे ठीक है फिर जाएंगे अपन थोड़ा एक डिफिकल्ट फेज पे विच इज फेज टू फिर जाएंगे अपन लोग एक एवरेज फेज पे एवरेज मीडियम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है और फिर जाएंगे अपन लोग एक इजी फेज पे सर आपके रहते हुए भी, भी कोई फेज डिफिकल्ट हो सकता है क्या नहीं नहीं कुछ डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा दुनिया का परसेप्शन ऐसा है तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया है चलो अब फेज वन जो मेरा मीडियम फेज है दिस फेज विल हैव थ्री टॉपिक्स एंड दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सबसे पहला जो फेज है दैट कंसिस्ट ऑफ द चैप्टर म्यूचुअल फंड फिर दूसरा चैप्टर है इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और तीसरा चैप्टर है इसमें वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज हमेशा याद रखना दैट फॉर अ स्टूडेंट हु फ्रॉम मिस्टर संख कांस्टिया दिस इज हाउ योर ए एफ एम विल एवर बी डिवाइडेड इन टू क्या फेज वन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी सर यह फेज वन में से अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का आएगा तो यह फेज वन को मैंने इस तरह डिवाइड किया है कि इसमें से आएगा ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मार्क्स फिर बाद में आ जाते अपन लोग फेज टू पे फेज टू के जो चैप्टर्स है दे आर मेरा मेरा फेवरेट फेवरेट फॉरेक्स और एक मेरा फेवरेट, आहा, फिर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देन देर इज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ रहा है जी हाँ ये चार चैप्टर्स आ जाएंगे फेज टू में सर इसका वेटेज कितना होगा अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ये फेज वाइज बनाया है इसका भी वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी मार्क्स फिर आएंगे अपन लोग नेक्स्ट फेज के ऊपर विच इज फेज थ्री इस फेज थ्री में एक मस्त एडिशन हुआ है सो ध्यान से देखिएगा फेज थ्री कंसिस्ट ऑफ चैप्टर्स लाइक मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो आप लोग ने सीए इंटर अकाउंट में पढ़ा है उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है तो प्लीज उसको भूल जाना ये अपना फाइनेंस वाला है दूसरा जो चैप्टर है दैट इज कॉर्पोरेट या अब उसको नाम दे दिया है बिजनेस वैल्यूएशन एंड जैसा मैंने बोला यहां पे आ रहा है एक गेम चेंजर चैप्टर

तो इट्स अ रोलर कोस्टर राइट फॉर एडवांस की तारीख में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और वो प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए एज अ फाइनेंस मैनेजर एंड दैट इज वेयर एडवांस कैपिटल विल प्ले अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल गाइज एंड फिर बाद में आ जाता है मेरा फेज फोर ये अच्छा अच्छा सर फेज थ्री फेज थ्री फेज थ्री का सर मार्क्स तो बताओ फेज थ्री का भी मार्क्स अप्रॉक्स ट्वेंटी फाइव टू थर्टी एंड फेज फोर का भी मार्क्स अप्रॉक्स ट्वेंटी फाइव टू थर्टी बट दिस फेज फोर इज टोटली टोटली फोकस्ड ऑन वन एस्पेक्ट एंड दैट एस्पेक्ट इज यस इट इज थियोरी जी हा जिसको अपन यूजुअली इग्नोर कर देते हाँ huh? करोगे आप कभी सोचना मत, ठीक है ना तो so, उसको एक अलग फेस में ही अपन लोग पूरा का पूरा टैकल करेंगे ताकि टेंशन नहीं रहेगा इसमें भी मेरे पास कुछ अराउंड पांच चैप्टर है तो एक चैप्टर है जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन दूसरा मेरा चैप्टर है उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट और एक मेरा चैप्टर है इसका नाम है स्टार्टअप फाइनेंस फिर इसमें और एक चैप्टर है मेरा जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस और फिर और एक चैप्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी बस इन सब को मिला के बनता है आपका और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट गाइस डन समझ में आ गया क्या आप लोग भी ये लिखना चाहेंगे हंड्रेड वन परसेंट लिख लो और एक काम प्लीज मेरे लिए करना आज आप सब की स्टोरी पे ये होना चाहिए सो so दैट आपको क्लैरिटी एम गोइंग टू स्टडी विदराइट गाइज सो आज से आपके लिए ये देखो मैं, मैं, मैं मेरा स्टोरी में आज सेव करने वाला बस मैं मेरी स्टोरी में ये देखो मैं ये ले रहा हूं मेरा फोटो I mean, ये इधर जो लिखा है उसका फोटो ले रहा हूं मैं And here it goes. ठीक है चलो सो so, ये अब अपने दिलो जान में बसा लो एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स क्या बोलता है पब्लिक चलो टेलीग्राम चैनल पे ही तुम लोग के साथ शेयर कर देता हूं यस yes. तो तुम लोग भी इस चीज को डेफिनेटली यूज कर पाओगे राइट right? चलो क्लियर हो गया दिमाग में कि क्या चार फेजेस में मेरा ये सब्जेक्ट डिवाइडेड है म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी तो जब मैं फर्स्ट चैप्टर जो मैं कल स्टार्ट करने वाला हूं स्टार्ट करूंगा मैं म्यूचुअल फंड से जैसे ही मेरा म्यूचुअल फंड हो जाएगा मैं जाऊंगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे फिर जाएगा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी जैसे ही ये फेज खत्म हो गया आपको पता चल गया आपका तीस मार्क आपके जेब में फिर बाद में आओगे इंटरेस्टिंग बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए ये. दोनों उसी से कनेक्टेड चैप्टर्स हैं तो जितना अच्छा अपना फॉरेक्स डेरिवेटिव्स होगा उतना कनेक्टिंग में अपना आईएफएम आईआरआरएम होगा आईआरआरएम का फुल फॉर्म इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे तभी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे तभी फिर बाद में में आ जाता है मेरा आज की तारीख कितनी सारी है जो एक दूसरे के साथ जिनका मेल मिलाप हो रहा है एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन अगेन इज समथिंग दैट हैपनिंग ऑन रेगुलर बेसिस फिर आएगा एडवांस कैपिटल बजटिंग विच इज टोटली न्यू फॉर एनीबॉडी And phase four पूरा का पूरा theory 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 जिसको भी अपन लोगे interesting तरीके में पढ़ने वाले हैं and this guys is your yes this guys is your story for today तो अगर आप Google Drive student हो अगर आप YouTube पे अलग से देख रहे हो then in that case drop me a message saying that yes sir ये photo लेना और मुझे एक WhatsApp कर देना अपने नाम और location के साथ sir ready to रॉक ए एफ एम सब्जेक्ट विद एटी प्लस मार्क्स खाली इतना मत लिखना साथ में लिखना अपना नेम एंड लोकेशन वाई एम आई टेलिंग दैट सो दैट आज से ही अपन लोग कनेक्ट हो जाएंगे बिकॉज अगर फ्यूचर में आप लोगों को कुछ डाउट पूछना हुआ देन इन दैट केस आई नो दैट येस ये बंदा मेरे से कनेक्टेड है ये बंदी मेरे से कनेक्टेड है सो आई विल इंश्योर दैट आई एम एबल टू आंसर योर डाउट इन अब ओके सो नाउट ऑब्वियसली अब तुम्हारे सजेशन आना चालू हो गए हैं जबकि मुझे वो चीज करने ही वाला हूं मैं जो तुम लोग ने लिखी है उन्होंने बोला है कि सर फिर आप ये फेस वाइज टेस्ट भी ले लोगे क्या बाई डिफॉल्ट आंसर इज येस यस यस चलो ठीक है सो यस ये फेज वाइज टेस्ट भी होते रहेंगे साथ साथ में ही ठीक है सो इवन इफ यू आर अ लाइव स्टूडेंट डू ड्रॉप है आराम से भेजना कोई घाई नहीं है उसका बट जस्ट टेलिंग यू दैट एक बार ये भेज देते हो सो वी आर देन कनेक्टेड चलो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को पूछ चुका हूं कि गाइस अगर तुम लोग से मैं पूछूं कि यार एज अ प्रोफेसर तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे से तो तुम्हारा जवाब क्या होगा प्लीज टेल मी प्लीज टेल मी गाइज व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बैच फ्रॉम माई एंड एंड ट्राई करेंगे उन सारे एक्सपेक्टेशन को मीट करने की कोशिश सर व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर ये अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने भाई सो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर चलो पहले ये बात में भेज देना चलेगा लेक्चर एंड होने को बट होता है फीड फॉरवर्ड तो फीडबैक मतलब लेक्चर होने के बाद में आप लोगों को पूछूंगा कैसा लगा मेरा लेक्चर वो तो पूछूंगा ही बट क्यों ना उसके पहले से ही अपन लोग स्टार्ट कर ले काम क्यों ना मैं पहले से ही तुम्हारी एक्सपेक्टेशन समझ लू एंड उस हिसाब से अपना प्लानिंग रखू आने वाले सो दर ऑन पेट पब्लिक मोर प्रॉब्लम इन क्लास सर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन शुड बी डन इन क्लास ग्रेट सो यही ये यही ये, ये मेरे को चाहिए तुम लोग से तुम लोग अपना एक्सपेक्टेशन बताते जाओ सो आई विल कीप ऑन राइटिंग ये विल राइट ये कि भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स अपने पास से स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन सर मेजोरिटी इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते तो आप प्लीज क्लास में ही करवा देना डन फिर और क्या और क्या और क्या सो यस दैट विल बी डन यू ऑल तो सबसे पहला एक्सपेक्टेशन ही करेक्ट वी विल एंश्योर दैट इट इज इंटर एक्टिव थ्रू आउट ये मुझे नहीं पता आपका एक्सपेक्टेशन है कि नहीं बट मेरा पहला एक्सपेक्टेशन ये है कि जितना आप उसको इंटरक्टिव रखोगे उतना सेशन इंटरेस्टिंग बनेगा ताली दोनों हाथ से बजेगी तब आहा, होगा क्या बोलते हो राइट गाइस सो प्लीज एंश्योर दैट वी आर हैविंग द हाइएस्ट इंटरक्शन इन दिस बैच क्या आप मेरे से ये प्रॉमिस करते हो तो मैं आपकी आगे की प्रोमिस मानूंगा Done. दूसरा जो मेरा एक्सपेक्टेशन है मैं पहले बता देता हूं तब तक आप लोग लिखते जाओ फिर मैं करता हूं। Second thing is, जब तक डाउट क्लियर ना हो पूछते रहो ठीक है आप लोग ने पैसा दिया है ना पूरा पैसा दिया है क्या आधा पूरा पैसा दिया है वेरी गुड तो जब आपने पूरा पैसा दिया है तो उसको वसूल करना कैसे वसूल करोगे अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है पूछो बिंदास हो सकता है आपका कोई छोटा सा डाउट पूरे क्लास के लिए हेल्पफुल हो जाए सो प्लीज डाउट पूछने में जरा भी हिचकिचाहट मत रखना द मोर यू आस्क द डाउट द बेटर इट इज गोइंग टू बी फॉर द होल क्लास लोगों की दुआएं मिलेगी आपको कि यार मेरे को भी पूछना था अच्छा हुआ तूने पूछ लिया तो डरना मत एक एक वाइब सेट कर लो मेरे साथ ठीक है आई मीन वो बाई डिफॉल्ट ही आप लोग समझ जाओगे दैट इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंड और बिग ब्रदर रिलेशनशिप दैट वी आर शेयरिंग लेट्स डू इट दैट वे क्या बोलते हो हाँ बट ये भाई बट ये बिग ब्रदर या एक फ्रेंड पापा में भी कन्वर्ट हो जाएगा गुस्से वाला पापा वो एनिमल मूवी वाला पापा में भी कन्वर्ट हो जाएगा दिखाई नहीं दे रहा है क्या सुनाई दे रहा है मुझे वैसे में कब अगर तुम्हारे को कुछ होमवर्क दिया और करके नहीं आए याद रखना चलो सेकेंड चीज के ऊपर आते हैं अब इनके सो तो एक तो मैंने बोला इंटर अब इनके भी पूछ लेते हैं भाई क्या है चीजें हंड्रेड परसेंट कवरेज गुड पॉइंट गुड पॉइंट सौरभ राजपूत सो हंड्रेड परसेंट कवरेज रखेंगे कोई डाउट मत रखना इस बात में नेक्स्ट मेजोरिटी क्वेश्चन इफ वी कैन कवर इन क्लास सो मेजोरिटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग कैन आई से दैट क्या तुम लोग भी यही कहना चाहते हो कि अपना सॉल्विंग पार्ट होते रहे सर मेजोरिटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग होते रहे ठीक है फिर इधर किसी ने लिखा है सर कॉन्सेप्ट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे हंड्रेड मैं इधर बोलता हूं हंड्रेड आपका एक्सपेक्टेशन है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में टू हंड्रेड परसेंट दूंगा जाओ क्या दूध मांगोगे खीर देंगे वाह वाह हंड्रेड परसेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मांगोगे चीर देंगे क्लैरिटी देंगे बस नेक्स्ट इफ देखो अरुण दे ने बिचारे ने कितना डर डर के लिखा है इफ पॉसिबल फॉर्मूला डेरिवेशन ओ भाई इफ पॉसिबल नहीं हैज टू बी दैट वे

ओके ओह हो बहुत सारे पॉइंट आ गए रियल लाइफ एग्जाम्पल सो कैन आई से इन डेप्थ कनेक्शन ग्लोबल कनेक्शन विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सो ग्लोबल कनेक्शन मैं इधर लिख देता हूं एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल बट इस रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए मुझे आप लोगों के पास से एक एक्सपेक्टेशन है मुझे अभी का अभी कमेंट करके बताओ एवरीबॉडी ऑन द यूट्यूब और वाचिंग थ्रू रिकॉर्डेड मोड क्या आप लोग भी मेरे साथ ये चीज पढ़ोगे क्या रोज क्या आपको दिख रहा है ये क्या है क्या आपको दिख रहा है ये क्या है क्या आप लोग भी पढ़ेंगे क्या ये मेरे साथ रोज मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत टाइम अपन इसमें डालेंगे नहीं बट एटलीस्ट एक आइडिया तो रखे ऑब्लिक ठीक है मैं टाइम वेस्ट नहीं बोल रहा हूँ करने को बट थोड़ा तो आइडिया रखे ये देखा है आप लोग ने कभी ऐसा ऑरेंज कलर का न्यूज क्या है इसको न्यूज पेपर बोलते हैं। अभी आप लोग क्या है ना आ... ये देखो निफ्टी रिक्लेम्स ट्वेंटी के। वो क्या ऐतिहासिक दिन पे अपन अपना ये सेशन चालू कर रहे हैं निफ्टी ने बीस हजार क्रॉस कर दिया है अब निफ्टी ये मैं आपको बोलू कितना इंपॉर्टेंट है अपने उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये दोनों ये दोनों चैप्टर में निफ्टी इज गोइंग टू बी यूज रेगुलरली और अपने को अगर प्रैक्टिकली निफ्टी क्या है पता ही ना हो तो कैसे चलेगा दीदी तो करना तो पड़ेगा ना अब ये फर्स्ट पेज मेरे को है ना वैसे ही इसका लास्ट पेज भी दिख गया अब लास्ट पेज पे देखो क्या लिखा है लास्ट पेज पे आप लोग को इधर दिक, लिखा हुआ दिखेगा तुम लोग को शायद नहीं दिखेगा वो लाइट की वजह से इधर लिखा हुआ है बाइजूज वैल्यूएशन बिलो डॉलर थ्री बिलियन क्या वर्ड यूज किया वैल्यूएशन भाई यही तो अपन लोग करने वाले हैं ना इस फेज थ्री में दिखा आपको कॉर्पोरेट या बिजनेस वैल्यूएशन वैल्यूएशन तो बिलो बिलियन इसका मतलब क्या हुआ कहना कहीं ना कहीं अपने चैप्टर से कनेक्टेड है तो इकोनॉमिक टाइम्स का हेडलाइंस वाज निफ्टी कनेक्टेड विद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कनेक्टेड विद डेरेवेटिव इकोनॉमिक टाइम्स का लास्ट पेज का एक खाली मैंने सेंटेंस पढ़ा बाइजूज वैल्युएशन डाउन टू डॉलर थ्री बिलियन अगेन एक चैप्टर से कनेक्टेड तो गाइज यू कैन जस्ट इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए आज की तारीख में अभी तो ये इसको मैं और थोड़ा घुमाऊंगा तो कितनी सारी चीजें मिलती जाएगी जहां से आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर अगर पढ़ लिया ना तो ये सब्जेक्ट बेसिकली वो ही है राइट गाइज right, तो थोड़ा थोड़ा कैसे करेंगे क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा बट कनेक्शन रखना एकदम भी ऐसा रट्टू पोपट मत बन जाना कि बस जितना मॉड्यूल में किया है बस उतना ही आता है ठीक है आप बोलोगे कि सर आपको पैसा हमने उसी के लिए दिया आप उतना ही कराओ ना नहीं बोलता हूं मैं बट थोड़ा मेरे को मेरा जो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल नॉलेज है वो प्लीज शेयर करने देते रहना यार प्लीज ठीक है चलो डन ओके okay, और क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी लेट्स लेट्स आउट लेट्स आउट इतने सारे मैसेजेस में आप थोड़ा वो मिस हो गए ओ सर थैंक्स फॉर मेकिंग सब्जेक्ट सो वाओ ये आज नहीं ये मैं आप लोग को थर्टी डेज के बाद पूछूंगा लिटिल हेल्प इन थोरी सर राइटिंग ऑफ नोट्स इन क्लास दीपक जैन विल बी डन व्हाट अबाउट एमसी गुड सो एम एक सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है इस सब्जेक्ट में सो एम विल बी डन अलोंग विद चैप्टर अब वो कैसे करने वाला हूं वो आप लोगों को थोड़ा वेट करने का मैं आपको बताऊंगा बट ये एमसीक्यू विल बी डन अलॉन्ग विद चैप्टर्स आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर स्मॉल स्मॉल किसने लिखा है पिंकल आई थिंक चौहान ने लिखा है uh, के स्मॉल स्मॉल रिविजन डन सो लेट्स डू रिविजन सेशन ऑन रेगुलर बेसिस सो रिविजन सेशन ऑन रेगुलर बेसिस मेरी इच्छा है कि अपन चैप्टर टू चैप्टर के बाद रिवीजन टू रिवीजन करते रहेंगे और रिवीजन कहां से करने वाले हैं वो भी आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगा ठीक है सर प्लीज जो भी पढ़ा रहे हो बेसिक से पढ़ाना ओके टीच फ्रॉम बेसिक्स देन आप नहीं भी बोलोगे तो भी यही होने वाला है बट ठीक है एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपने शेयर किया यार कितना सारा एक्सपेक्टेशंस है तुम लोग से यार तुम लोग को मेरे से यार हाँ चलो डन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके ये सारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरू एंड गिव माई बेस्ट एज वेल चलो डन ओके सो आई मी ऑलमोस्ट डन इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूं अगर अपने को टाइम मिला तो मैं आप लोगों को जब मैं डेरिवेटिव्स पढ़ा रहा हूं तो लाइव डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी करना सिखाऊंगा आई यू एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल गाइस ओके गुड पॉइंट भाई सौरभ सर ये सब ठीक है बट सर प्लीज टाइमली पोर्शन कंप्लीट कर देना टाइमली पोर्शन कंप्लीशन सब्जेक्ट से डर नहीं लगता साहब टाइमली पोर्शन कंप्लीशन से डर लगता है अगर मुझे टाइम मिला और बैठा या थोड़ा सा अपन लोग एक्स्ट्रा अपने आप को एक्सटेंड कर देंगे बट वी विल ऑल्सो हैव ट्राई टू मार्केट ट्रेडिंग क्या बोलता है पब्लिक करेंगे ट्राई करेंगे अपन स्पेशली डेरिवेटिव मार्केट यस ठीक है कैसे करोगे मेरे डीमैट से करोगे और मैंने मेरे प्रीवियस बैचेस में भी ये किया हुआ है हम लोग क्या करते हैं मैं तुम्हारे को कुछ पैसा दूंगा मेरे ही अकाउंट का और उसमें तुम्हारे को बोलना है सर आज लग रहा है पुट लो आज लग रहा है कॉल लो एंड देन विल ट्राई टू प्ले इन द मार्केट विल ट्राई कैनोट प्रोमिस यू कैनोट कमिट यू के मेघा वॉट विल बी द लाइकली डेट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीशन सो मैक्स टू मंथ फ्रॉम नाउ सिंपल ठीक है ऑन हायर साइड डन फिर गोवा चलेंगे ये होना बात टाटा टेक आईपीओ मेरे को भी नहीं मिला आपको भी नहीं मिला चलो अपन दोनों भाई भाई इट्स ओके okay. चलो गाइज सो आई थिंक so, तुम्हारी एक एक्सपेक्टेशन मेरे पास आ चुकी है मुझे आइडिया आ चुका है कि मुझे क्या डिलीवर करना है ये आने वाले दो महीनों में ओके गाइस चलो डन नाउ इसको बेस लेते हुए लेट मी टेल यू माय और से आर अप्रोच टू दिस सब्जेक्ट मैं कैसे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं आर अप्रोच टू ए एफ एम लेट स्टार्टो सबसे पहला आप लोगों को जो बुक्स मिलने वाला है ये बुक्स अपने को हंड्रेड परसेंट कवर करना है अगेन आई एम टेलिंग यू यून आईव से हंड्रेड परसेंट आई विल एंश्योर दैट ऑल कॉन्प्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन क्लास मैं खुद ही सॉल्व करवाऊंगा क्लास में और आप लोग भी करते जाऊंगे बट साथ में फ्यू रेपिटेटिव क्वेश्चन विल बी गिवेन टू यू एज होमवर्क चलेगा फ्यू रेपिटेटिव क्वेश्चन टू टेस्ट योर सेल्फ यू रेपिटेटिव क्वेश्चन विल बी एच डब्ल्यू जिसको अपन बोलते हैं होमवर्क ठीक है सो बुक्स हंड्रेड परसेंट अब ये बुक्स आपको क्या मिलने वाली है तो आपको मिलने वाला है गाइस मिलने वाली है आप लोगों को ऑप्टिमाइज्ड बुक्स टू एंड साथ में आप लोगों को मिलेगी साथ में आप लोगों को मिलेगी मैजिक बुक जी हां सो एफ की मैजिक बुक एक मैजिक करने वाली है अराउंड थ्री हंड्रेड पेजेस एंड योर फुल बी डन इन दिस ए एम मैजिक बुक द बेस्ट फॉर रिविजन तो इधर मैंने लिखा है ना कि मैं रिविजन सेशन लूंगा ये रिविजन सेशन मैं कहा से लूंगा करेक्ट इट इज गोइंग टू बी थ्रू दट एम मैजिक बुक बट ऑप्टिमाइज बुक तो मेरा डिटेल्ड वाला है तो ये जो इधर मैं करने वाला हूँ ना 100 परसेंट कवर ये कहा से करने वाला हूँ थ्रू माय ऑप्टिमाइज्ड बुक समझ में आया आप लोगों को करेक्ट तो क्यों ना अब आप लोगों को मैं ये ऑप्टिमाइज्ड बुक का एक टूर करवा दूं ताकि आप लोगों को पता रहे दैट क्या चीजें आप लोग को मिलने वाली है थ्रू दिस बुक सो लेट मी शो यू ऑल द थिंग्स विच आर देर एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑप्टिमाइज बुक देखो मेरे हिसाब से ना बुक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है राइट पढ़ने वाले हो आप लोग इवेंचुअली ये बुक से और रिविजन सेशन जो यूट्यूब पे मैं डालने वाला हूँ प्लीज ये बुक्स बहुत ध्यान से इसको मैनेज करना एंड चीजों को करते रहना <coughs> टाइमली सेकेंड ये बुक्स का कंटेंट क्या होगा सो इट विल स्टार्ट विद चैप्टर नेम मतलब इस बारीकी से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे बुक को रीड करना है कैसे बुक को इंटरप्रेट करना है सर आई एम फ्रॉम दुबई आई टेकन योर लाइफ बैच बट द बुक विल टेक सम टाइम विल यू प्रोवाइड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द चैप्टर हंड्रेड एंड वन परसेंट ये आई डो नॉट है चलो मेरे बुक के अलावा और कुछ करने का जरूरत है द आंसर इज नो दैट्स इट ओनली ऑप्टिमाइज प्लस ए एफ एम मैजिक बुक इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक डन चलो अब इस बुक में क्या क्या है चैप्टर नेम एज मॉड्यूल देन आप लोगों को मिलेगा एक छोटा सा कोट टू मेक योर डे टू मेक योर थिंग्स इंटरेस्टिंग जैसे हमारे स्टीव जॉब्स ने कुछ कोट दिया यहां पे फिर बाद में आपको मिलेगा मार्क्स एलोकेशन एज पर आईसीएआई पास्ट एग्जाम्स ताकि आप लोग वो जो मार्क्स एनालिसिस बनाते हो ना वो हमने यहां पे बना के दे दिया है सो पास्ट पेपर एनालिसिस वी विल आल्सो गिव यू अ पास्ट पेपर एनालिसिस ओके फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज And this, according to me, is the most important thing, guys. स्टडीमेंटोर गाइज ये स्टडी मेंटोर को प्लीज सीरियसली लेना एंड देखो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में तो स्टडी मैंटोर यूज करवाऊंगा बट लेटर ऑन इट इज अप उसको कितना फ्रूटफुली ले रहे हो ठीक है so, सो प्लीज ये स्टडी मेंटोर को प्रॉपरली करते रहना सर एफ एम फास्टैग फुल ऑन यूट्यूब नो सागर ओनली स्टार्टिंग थ्री फोर लेक्चर ओके चल सो so, ये जो स्टडी मेंटर है इसमें क्या होने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थियोरी है जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो सारा मैंने यहां पे ले लिया है जब मेरा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया तो आज मेरे लेक्चर में चैप्टर क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन हुआ आपको यहाँ पे टिक कर देना है तो आपको पता है कि एक बार आप लोग का मेरे साथ हो गया फिर जब आप रिवाइज करोगे यू विल इट अगेन फिर जब आप थर्ड टाइम रिवाइज करोगे अगेन टिक तो आपको भी बता रहेगा कि आपने कितनी बार कौन सी चीजें की भी है। so, के आप उतना के लिए रहो। अब देख लो भाई, में पास होना है हाँ तीन बार करना पड़ेगा ये बुक को तीन बार ये ऐसा टिक होना चाहिए सब जगह पे क्या आपको रैंक लाना है हाँ तो फिर आपको इस कैटेगरी में आने के लिए चार बार करना पड़ेगा और फर्स्ट टू टेन रैंक के लिए एक्सपर्टीज लेवल पे जाना पड़ेगा विच वर्क्स। कैन वी गेट मैजिक बुक पीडीएफ ऑफ चैप्टर अलॉन्ग टू यस विल शेयर इट एज एंड वेन द चैप्टर इज डन श्योरली विल डू दैट सो यहां पर आप लोग को जैसा दिख रहा है कि हर एक सो से फॉर एग्जांपल आज मैंने आप लोगों को कुछ बताया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जैसे ही अपना हो गया आपको एक टिक करना है जैसे अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे आपको टिक करना है इसमें से मैंने कोई चैप्टर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया मैंने बोला क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव होमवर्क आपको उधर लिख लेना है एच डब्लू जब आपका ये एच डब्ल्यू हो जाएगा तो प्लीज उसको इरेज करके टिक कर देना कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं मैं आप लोगों को खाली एक आइडिया दे रहा हूं जो अलग अलग स्टूडेंट्स करते हैं उन्होंने मुझे आइडियाज दिए हुए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल वो लोग है ना यहाँ पे अपने नोटबुक का पेज नंबर लिख लेते हैं सो से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है उनके पेज बुक में वो लोग नंबरिंग कर देंगे पेज नंबर वन थ्री फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन किया है उनके नोटबुक का पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पे तो ये लोग इधर ट्वेंटी फाइव लिख देते हैं तो ये सर के साथ हो गया है वो उनको पता चल गया अब उनको ये क्वेश्चन जाना है उनको पता है कि उनको सीधा पेज नंबर पे जाना है एंड काम हो जाएगा अब और एक चीज जो स्टूडेंट लोग ने किया है देखो यही लोग इवाल्व होते जाती है चीजें उनके आइडियाज में तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं इसमें से जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है सर ने ये अच्छी तरह से कराया है हम लोग को लग रहा है इंपॉर्टेंट है या कभी कभी कुछ क्वेश्चन होंगे जो

से लेना है, हो गया आपका काम। काम अगर आपने इधर क्वेश्चन देखना है, 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 तो आपको ऑप्टिमाइज़ के के पेज पेज पे पे जाना है, आपकी के 25 पे जाना आपकी नोटबुक आपका काम हो गया। कैसा लगा ये स्टडी का? क्या बोलता है पब्लिक? सो right so right so, so, आप लोग को चैप्टर Past paper analysis, उसी के साथ आपको यूज करना है बॉल इज इन योर कोर्ट आप उसको कितना अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे स्टडी मेंटोर के बाद आता है हमारा प्रिव्यू यस वॉट इज दिस प्रिव्यू प्रिव्यू आपको बताएगा एक ओवरव्यू इस चैप्टर के बारे में कौन सा चैप्टर दिख रहा है म्यूचुअल फंड इसका इस प्रीव्यू क्या है कैसे म्यूचुअल फंड क्या क्या के क्लासिफिकेशन ये सारा चीज आ गया तीन पेज के अंदर पूरा आपका प्रिव्यू आ गया थ्री टू फोर पेजेस हर चैप्टर का प्रिव्यू थ्री टू फोर पेजेस हर चैप्टर का प्रिव्यू क्या बोलता है पब्लिक सही है ना आइडिया चलो डन फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट ये हो गया अब इसके बाद स्टूडेंट नोट्स है ये आप लोगों को अभी अपने नोटबुक में ही बनाने इसमें मैं अलग से नहीं दे रहा हूं सो तो आप लोग अपने नोट्स में स्टूडेंट नोट बनाने वो क्या है वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा डोंट वरी फिर बाद में आता है आपका थियोरी प्लस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन सो यहां पे अगर म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड क्या करता है अलग अलग सिक्योरिटीज में एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है ये देखिए हमारे राकेश झुंझुन वाला बोलते हैं कि मैं करोड़ों ऑफ रुपीज शेयर मार्केट से कमाता हूं तो आपको लगेगा शेयर मार्केट में डालते हैं मम्मी बोलेगी कि बेटा गोल्ड में इन्वेस्ट कर गोल्ड बेस्ट है आपको लगेगा मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं पापा बोलेंगे बेटा रियल एस्टेट में डाल बहुत पैसा है आपको लगेगा मैं रियल एस्टेट में डालू भाई पैसा है मेरे पास लिमिटेड कोई बोलता है शेयर मार्केट में डालो कोई बोलता है गोल्ड में डालो कोई बोलता है रियल एस्टेट में डालो क्या करूं तो भाई तू ऐसा कर म्यूचुअल फंड में डाल म्यूचुअल फंड ये तीनों में इन्वेस्ट कर देगा अच्छा ऐसा तो डायग्रामेटिकली बता दिया है आपको समझ रहे समझ रहे एवरीबॉडी समझ रहे कि नहीं डन सो दैट्स हाउ सिस्टम वर्क्स तो थ्योरी है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आप लोग को मिल जाएगा इस ऑप्टिमाइज में थ्योरी प्लस डियग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है एक्साइटेड है ये बुक्स को यूज करने के लिए ग्रेट नेक्स्ट फिर आते हैं जो आप लोगों को सबसे ज्यादा ग्रिल होने वाला है एंड दैट इज योर ये देखो इतने सारे मैंने सारे कॉन्सेप्ट ले लिए तो समी आज सर मेरे को मॉड्यूल लेने की जरूरत है क्या नहीं मॉड्यूल से भी ज्यादा यहां पे आप लोगों को चीजें मिल जाएगी बेटर वे में मिल जाएगी से एवरीथिंग विद अ बेटर प्रेजेंटेशन देन फॉर्मूलाज हो फॉर्मुला के एक्सप्लेनेशन हो कॉन्सेप्ट हो थ्योरी हो एवरीथिंग टेकन फिर बाद में आप लोग को इधर देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जी हाँ और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको बता दू आई आई के मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन मैंने चुन चुन के उठाए हैं जो अपन सॉल्व भी करेंगे आर टीपीएम टीपी पी पी पास्ट पेपर सारी चीजें यहां पे कवर्ड है प्लस मैंने थोड़ा ओल्ड पीएम के क्वेश्चंस भी लिए हैं जो मुझे रेलेवेंट लगते हैं ठीक है सो यू डोंट वरी एट ऑल फॉर एनी थिंग्स गॉट इट गाइज सो आई यू एक्साइटेड एंड लास्ट में जो आप लोगों का होने वाला है वो है रिविजन प्लस मैराथॉन्स एंड ये रिविजन प्लस आपका होने वाला है थ्रू मैरेथिक मैजिक बुक एज द नेम सजेस्ट इज गोइंग टू बी द रियल मैजिक फॉर यू इज गोइंग टू बी द रियल मैजिक फॉर यू मेरे पास अगर एक नोट में होगा तो मैं दिखाऊंगा अदरवाइज नेक्स्ट टाइम कभी दिखा दूंगा देखते हैं यस yes, ये रहा से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है इसका मैजिक बुक आप लोगों को देखने को मिलेगा ये देखो अगेन पहले स्टडी मेंटर है तो कौन से कौन से कॉन्सेप्ट कौन से पेज पे आप लोगों को दिख जाएगा शार्प इंडेक्स मॉडल पेज इलेवन पे जानेगा सॉरी पेज ट्वेल्व पे जानेगा आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी पेज 13 पे जानेगा <coughs> इसमें भी थ्योरी है बट डायरेक्टली वही थ्योरी जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछता है डायरेक्टली वही थ्योरी वो जो ऑप्टिमाइज में थियोरी है वो मस्त डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला थियरी है कि भाई बेसिक से किसी को पढ़ना है किसी को आता ही नहीं एफ एम का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कुछ भी जा वो थियरी पढ़ ले अब एग्जाम के लिए तेरे को थिरी पढ़ना है एग्जाम में जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है चल ये दो तीन पेज का थियरी है ये पढ़ ले हो गया तेरा काम फॉर्म्यूलाज दिस सब्जेक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्मूलाज इन द होल सीए करिकुलम यस ए एफ एम एफ एम लेडीज एंड जेंटलमैन हैज मैक्सिम नंबर ऑफ फॉर्मूलाज अब जब इतने सारे फॉर्मूलाज है और अगर आप उसको रट्टा मारने जाओगे ना मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो अपना अप्रोच क्या रहेगा ऑलवेज ऑलवेज डेरिवेशन सो नाइंटी परसेंट ऑफ द फॉर्मूलाज विल बी डेरा फाइव टू टेन जो कनेक्टेड है सम्स के थ्रू वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करने बट अदर देन दैट यस वी विल बी डूइंग इट थ्रू माई डेरीवेशन इट्स सेल्फ समझ में आ गया एवरी बॉडी अब इतने सारे फॉर्मूला एग्जाम के टाइम पे कैसे याद रहेंगे सर <coughs> इतने सारे फॉर्मूलाज सर तो एक तो अपन लोग जो है लिखने वाले वो तो है ही उसके अलावा जैसा मैंने आपको बोला कि ये मैजिक बुक में भर भर के जितने भी फॉर्मूलाज है सब मैंने लिखवा दिए सब एक साथ ऑल फॉर्मूलाज टूगेदर जब अपन ऑप्टिमाइज से पढ़ेंगे तब तो क्या होगा मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा उसका सम करवाऊंगा थोड़ा डिटेल लिखवाऊंगा फिर दूसरे सम पे जाऊंगा फिर फॉर्मूला पे आऊंगा तो सब बिखरी हुई होगी चीजें एक जगह समेटना एक जगह एवरीथिंग एट वन प्लेस हाउ इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल यस यस एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू आप लोग को बस एक ही चीज करना है वो है डिसिप्लिन के साथ लेक्चर्स को अटेंड करना है अभी क्लियर गाइज So, ये अपन लोग का मैजिक बुक यूज करेंगे फॉर द रिविजन मैराथन सेशंस प्लस अपन लोग इसके रेगुलर टेस्ट रखेंगे तो अपने को काम हो जाएगा कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है अच्छा अब मैंने एक नया सिस्टम चालू किया है वो है कि मैं देखो यूजुअली इंस्टाग्राम के ऊपर है ना पब्लिक टाइम पास करने को जाता है मैं इंस्टाग्राम के ऊपर डालने वाला हूं कुछ वन मिनट

ठीक है और मैंने डालना शुरू भी कर दिया प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक से तो मैं एकदम फुल फ्लैजेड डालने वाला हूँ मजा आएगा आप लोग एक मिनट में पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा yes. चल सो so, ऐसा सिनारियो है कि आप लोगों को पूरा आइडिया आ गया क्या क्या अपने को करना है क्या आप लोग टोटली एक्साइटेड है एवरीबॉडी विद मी यस चल डन तो अब लेट्स स्टार्ट गाइस लेट्स स्टार्ट द थिंग्स आई डो नॉट यूज इंस्टाग्राम वेरी गुड सो ये जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता है उसके लिए मैं डाल दूंगा ऑन यूट्यूब शॉर्ट ठीक है तो यूट्यूब शॉर्ट्स पर आप लोग को यह चीजें मिल जाएंगी तो भी कोई टेंशन नहीं है ओ खेज वाह लॉट ऑफ ज्ञान लॉट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान कमिंग और वे यस yes, मिथिलेश, done, 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 done. So, अब काफी अपने को एक आइडिया आ गया है एक दूसरे के बारे में तो सबसे पहले अपन लोग ने देखा सब्जेक्ट का एक आइडिया ले लिया सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया एवरीबॉडी लिख के बताओ मेरे को जरा आज के बाद सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड कर आप लोग ए एफ एम आपके लिए क्या ए एफ एम है नहीं एफ आपके लिए चार फेजेज में डिवाइडेड है फेज वन फेज टू फेज थ्री फेज फोर फेज वन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वैल्युएशन फेज टू फॉर एक्स डेरिटिविशन बिजनेस वैलुएशन एडवांस कैपिटल फेज सिक्योरिटाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट स्टार्टअप सिक्योरिटी एनालिसिस एंड फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डन आप लोग के में लिख चुका हूं मेरा अप्रोच मैं बता चुका हूं इन टर्म्स ऑफ बुक्स In terms of the इन टर्म्स ऑफ द वॉट ऑल बुक्स कवर इन टर्म्स ऑफ माई वे ऑफ डेरीवेश दो तीन लेक्चर से ही पता चल जाएगा कि कैसे अपन लोग सारे फॉर्मुला डिराइव करेंगे रियल एग्जाम्पल के साथ तो अब मैं आपको खाली बता देता हूं कि मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होगा तो मेरा टीचिंग मेथड या जिसको आप बोलते हो टेक्निक विल बी वेरी सिंपल इट विल बी बेस्ड ऑन पहले हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल किसका कोई रियल लाइफ का उससे हम कनेक्ट करेंगे किसको कॉन्सेप्ट को और फिर हम सॉल्व करेंगे क्या बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना चाहिए तो दैट इज हाउ द सिस्टम राइट डन हाय अरविंद वेलकम ठीक है चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना ये सिस्टम सिस्टम एंड एज आई टोल्ड यूल आज मैं आप लोग को कुछ हाई लेवल मैक्रो इकोनॉमिक कनेक्टेड फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्ट करने वाला हूं चलेगा या आप लोग को चाहिए नहीं सर आज तो एकदम सिंपल सिंपल रखो रखूंगा अरे सिंपल सिंपल रखूंगा टेंशन मत लो बट आज कुछ मैं ऐसी चीजें बताऊं जो आने वाले फिफ्टिय लेक्चर तक भी आपको ये ए एफ एम में काम आएगी तो आपको कैसा लगेगा थोड़ा अच्छे लेवल का है थोड़ा इकोनॉमिक्स का कनेक्शन है और थोड़ा फाइनेंस का कनेक्शन है बहुत मजा आएगा और ग्लोबल मार्केट से मैं इंडिया के मार्केट को कनेक्ट करने वाला हूं चलेगा ये आज के फर्स्ट सेशन में क्या आप लोग तैयार हो इस चीज के लिए या आप लोगों को लगता है नहीं नहीं सर सिंपल रखो सिंपल रखो क्या लगता है जो आप लोग कमेंट करोगे वैसा मैं करवाऊंगा बोलो So, बताओ मेरे को तुम लोग जैसा बताओगे वैसा करूंगा सो हैज कमेंट लेट्स फ्लाई हाई दैट्स द स्पिरिट ये ये यही ये, ये बात है मुझे फाइनल लेवल पे पढ़ाना इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि बच्चे वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उनको और चैलेंजिंग चीजें चाहिए और उनको ये प्रैक्टिकल चीजें मैं ना तो उनको मजा आता है और ऐसा नहीं है कि आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपके बुक से कनेक्टेड नहीं है भाई, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना वो अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी नहीं पता होता है क्यों? क्यों, बुकिश नॉलेज होता है आज क्यों ना उस, उस बुकिश नॉलेज को तोड़ के भूल जाए अपन अपन सी ए फाइनल में या से चीजों को समझे बाकी बुक से तो पढ़ना ही है यार मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी करवाने ही वाला हूं मैं भी आने वाले दो महीना वही करवाना है राइट right? तो आज उस उस शैकल्स को तोड़ देते हैं बुक्स के शैकल्स को तोड़ देते हैं एंड लेट्स टेक थिंग्स टू अनदर लेवल व्हाट्स से सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल financial markets yes you heard it right with financial system in India with financial system in India आप लोगों को पता है आ आप लोगों ने ये word सुना है FII FII word सुना है कभी भी किसी से क्या होता है क्या होता है एफ आई आई एनी बडी एनी आइडिया व्हाट इज एफ आई आई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सो ट्रू कितना सही लिखा है तुम लोग नेता मतलब है फॉरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नूशनल इन्वेस्टर कनाई से बाहर का आदमी है जिसको इंडिया में आके इन्वेस्ट करना है जो चाहता है इंडिया में इन्वेस्ट करना तो कना से ये दोनों यार एंड ऑफ द डे कनेक्टेड है कि नहीं भाई ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वाला इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा कैसे करें करेगा अगर उसको इंडिया के बारे में चीजें पता हो वैसे इंडिया को बाहर के बारे में चीजें पता हो क्या दोनों कनेक्टेड है, yes. एक कहावत है. Sneezes, इसका मतलब कोई बता सकता है क्या अमेरिका स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैच इज कोल्ड भाई अमेरिका मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का राजा है उसने कुछ भी हलचल किया ना सारा इंडिया का और सब दुनिया का सिस्टम हिल जाता है कितने लोग तो क्या करते हैं पता है अमेरिका का मार्केट देखते हैं और उसी के ऊपर इंडिया का मार्केट थोड़ा डिपेंडेंट है तो अमेरिका का मार्केट कल ऊपर गया चल इंडिया का भी मार्केट कल ऊपर जाएगा अमेरिका का मार्केट गिरा चल इंडिया का भी मार्केट गिरेगा उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग करते हैं बोलो तो कितना कनेक्टेड हुआ चीजें राइट वेरी टू वेरी टूड सो दर्क चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको समझना एक बार लिख लो जो भी मैंने बताया है और फिर मैं स्टार्ट करता हूं उसके साथ ठीक है दो मिनट लेके लिख लो इसको और फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं लिख लो ये सब चीजें लिख ली है एक बार तुम लोग कर दोगे तो बताओ देखो इस दीपक में लिखे है, सर कल डाओ फाइव हंड्रेड प्लस पे क्लोज हुआ है वेरी गुड देखते हैं अब इंडिया का आज का क्या पोजीशन होता है देखो आज तो वैसे भी आ गया ना न्यूज में ही इंडिया क्रॉसेस ट्वेंटी थाउजेंड इन निफ्टी तो आज तो ऊपर ही क्लोज होने वाला है आज ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड के निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा वाह भाई वाह तेरे मुंह में घी चक्कर मैंने तो डाला है भाई निफ्टी में अच्छा खासा पैसा तो सर हम लोग को भी इन्वेस्ट करना है सर हमको भी पैसा कमाना है सब बताएंगे धीरे धीरे चलो लिखिए लेट्स स्टार्ट हाउ इज वेदर इन मुंबई अभी मुंबई में इट्स अ गुड वेदर चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं दो मिनट में दो मिनट का खाली तुम लोगों को ब्रीदर दे रहा हूं अप पर ओपन होगा मार्केट आज वाह वाह प्रिया मिश्रा इतनी नॉलेज है आपको गैप अप गैप डाउन की चलो इन टू मिनट्स वी विल स्टार्ट हो गया बहुत हो गया चलो इन फाइव मैक्स पांच मिनट में स्टार्ट करते हैं मुझे तो सर निफ्टी में कैसे ऑप्शन और ये सब ट्रेड करते हैं, नहीं पता मैं हूं ना चलो फटाफट कौन टू मिनट्स ब्रेक एंड देन स्टार्ट Okay, then let द गेम begin. अंडरस्टैंडिंग <clears> ऑफ <throat> financial ग्लोबल markets with financial सिस्टम इन इंडिया आने वाला वन एंड हाफ आवर इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया आउ करते हैं आगाज इस चीज का लेट द गेम बिगिन फोकस से रहना बिकॉज पारा अब बढ़ने वाला है ठीक है आओ देखो एक बात मैं आपको बताऊं ठीक है शायद आपको ना पता हो बट पूरे दुनिया का इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना पूरे दुनिया का इकोनॉमिक या जिसको अपन बोल सकते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी जो है ना चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ एवरीबॉडी कमॉल स्टार्ट कमेंटिंग पता चले भाई हो तुम लोग हाँ सो so, हर एक पूरे दुनिया का इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पॉलिसी जो है ना गाइस दिस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी रिवॉल्व अराउंड टू मेजर थिंग्स कोई मुझे बता सकता है तुम लोग को शायद नहीं पता होगा बट अमेरिका हो रशिया हो शिया विच इज सो बिग अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी चाइना जापान इंडिया दुनिया का कोई भी भले ही वो यू नो इट इट कुड बी अंडर डेवलपिंग कंट्री लाइक श्रीलंका और पाकिस्तान आल्सो इन सब कंट्रीज का डेवलप्ड से लेकर अंडर डेवलप्ड से लेकर डेवलपिंग सब का जो मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसी होता है ना वो दो चीज के ऊपर ही बेस्ड होता है एनी आइडिया वॉट एनी बड़ी एनी आइडिया अबॉट आई एम वेटिंग चलो मैं देखता हूं तुम लोग को आइडिया है कि नहीं नहीं हो तो ठीक ही है वो सीखने के लिए इधर आए हैं बट अदर्स दो मिनट का लैग है तो मैं वो लैग को ध्यान में रख के थोड़ा वेट कर रहा हूं दो मिनट और फिर तुम लोग के आंसर के हिसाब से बता कोई भी मतलब कितना भी बड़ा इकोनॉमी हो आज की तारीख में अगर कोई इकोनॉमी एकदम ऊपर गया है या कोई इकोनॉमी एकदम डूब गया है उसके भी पीछे यही दो कारण हैं जो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं पॉलिसी माय गॉड इतना हाई लेवल तो मुझे पता भी नहीं क्या होता है गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नो मतलब मैं आपको कंट्रीज बता सकता हूं जो टेक्नोलॉजिकली साउंड बिजनेस ए वन बट उन्होंने इन दो चीजों पे ध्यान नहीं दिया और कंट्री बर्बाद हो गई बर्बाद मनी मार्केट हम्म करेक्ट चलो एक दो जन का आंसर आ रहा है

इट इज द इनफ्लेशन यस और आज मैं तुम लोग को दो कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस दो चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया एंड हाउ देर फाइनेंशियल वर्ल्ड वॉज अस सबसे पहले इंटरेस्ट रेट क्या होता है सिंपल वर्ड में बोलू तो आप जब बैंक में पैसा जमा कराने को जाते हो आपके फिक्स डिपॉजिट आपने जब जमा किया कोई भी फिक्स डिपॉजिट बनाया तो आप फ्री में फिक्स डिपॉजिट बनवाते हो या कुछ एक्सपेक्टेशन होता है मुझे जरा लिख के बताओ क्या एक्सपेक्टेशन होता है वेरी गुड दीपक कुमार जैन यस योर आंसर वॉज राइट मुझे बताओ जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने को जाते हो ठीक है तो फ्री में ऐसे ही बोल देते हो बैंक ले मेरे पास पांच लाख रुपए का एफडी बना दे मुझे बस और मुझे पांच साल बाद पांच लाख रुपए वापस दे, दे देना ऐसा बोलते हो या कुछ और एक्सपेक्टेशन होता है या समझो आप बैंक में लोन लेने गए तो क्या बैंक आपको आप बोलते हो मेरे को पांच लाख का लोन चाहिए तो बैंक आपको फ्री में पांच लाख का लोन दे देता है या बैंक का कुछ एक्सपेक्टेशन होता है बोलो जरा बोलो बोलो टेल टेल करेक्ट सर जब हम बैंक में जाते हैं ना फिक्स डिपॉजिट कराने को तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारे को इंटरेस्ट मिले जब हम लोन लेने को जाते हैं हमको पता है कि हमारे को लोन के साथ कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कौन डिसाइड करता है वो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है येस ऑब्वियसली इन कनेक्शन विद द प्रॉब्ली फाइनेंस मिनिस्टर एंड एवरीबॉडी सो वो क्या है इंटरेस्ट रेट क्या रेट पे लोन देना है क्या रेट पे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और वैसे ही है ना बैंक्स के भी इंटरनली लोन्स होते हैं कई बार आरबीआई बैंक से लोन लेता है कर भी आए बैंक आरबीआई से लोन लेता है सो so, वो सारा चीज इंटरेस्ट रेट्स जो वो जो इंटरेस्ट रेट्स है ना सब जो भी अपन लोग बैंक में देखते हैं वो इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया के मॉनिटरी पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट है अगर इंटरेस्ट रेट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो क्या हो सकता है पंद्रह मिनट रुको बताता हूं और दूसरा इज इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन को भी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो क्या हो सकता है बताता हूं। आओ, अब समझने की कोशिश करते हैं ये दो एस्पेक्ट को आज के बाद क्या 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 बोला मैं दुनिया के सबसे हर कंट्री के फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए सबसे मेन दो एस्पेक्ट कौन से हैं लिख के बताओ लिख के बताओ कौन से है? जो दो मेन एस्पेक्ट है इज इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेल यस इट इज इंटरेस्ट रेट एंड इट इज इंफ्लेशन एंड क्यों इंपॉर्टेंट है आओ मैं आपको बताता हूं क्या आप लोग ने कंट्री का नाम सुना है जिसका नाम है जापान क्या इस कंट्री के बारे में कुछ सुना है आप लोग ने सर सुना ही है ना सुना ही होगा वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री है थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी ओरिएंटेड कंट्री है अब सुनना वेरी गुड अब सुनना ध्यान से मेरी बात ठीक है ये जो जापान है दिस जापान इज द थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री इसका थोड़ा मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताता हूं 1950s में जापान के ऊपर दो बॉम्ब गिरे थे कहां पे दो बॉम्ब गिरे थे किसी को पता है कहां पे दो बॉम्ब गिरे थे हिरोशिमा एंड नागासाकी बराबर एंड जापान वाज गॉन जापान वाज डिवास्टेटेड 1950s में जापान वाज डिवास्टेटेड ठीक है अब आप या मैं हो गए तो क्या बोलेंगे? अरे मुझे बर्बाद कर दिया मुझे खत्म कर दिया मेरा तो लाइफ ही खराब हो गया। बट, वालों ने ऐसा नहीं बोला। इन्होंने बोला ठीक है अब जो हो गया सो हो गया इसमें थोड़ी जापान की भी गलती थी कभी टाइम मिलेगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि जापान की क्या गलती थी बट यूएसए ने यूएसए ने जापान को डिवास्टेट कर दिया पूरा का पूरा जापान तहस नहस बुरी तरह से बराबर है नाइनटीन फिफ्टीज में गॉन आप विश्वास नहीं करोगे 1968 में सो नाइनटीन फिफ्टीज में कंट्री डिस्ट्रॉयड क्या कमबैक मारा है देखो 1968 में जापान बिकम्स द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विद जीडीपी इन द होल वर्ल्ड तालियां बजनी चाहिए 1960 में इधर प्रवीण सुपर स्टडी क्लासेस प्रवीण ने लिखा है बुलेट ट्रेन लेकर आ गए वो लोग 1960s में एंड दैट इज ट्रू क्योंकि टोक्यो में जहां तक मुझे याद है ओलंपिक्स हुआ था और वो टाइम पे उन्होंने बुलेट ट्रेन ले आया था तो 1960s में ही बुलेट ट्रेन जो इंडिया आज की तारीख में अपने इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स के बाद भी नहीं ला पाया है राइट दैट इज वॉट दे डिड विद इनपैन ईयर उन्होंने पूरा काया पलट कर दिया ऑफ़ जापान बहुत सोचो ना कंट्री डिस्ट्रॉड से फर्स्ट लार्जेस्ट ओवरटेकिंग अंकल सैम विच इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वो लोग टेक ओवर करने वाले थे बराबर है फिर नाइनटीन का दौर आया ठीक है जापान तो ग्रो कर रहा है मतलब एकदम धूम ठीक है फिर बाद में क्या हुआ वो सुन के आप लोग शॉक में रह जाओगे 1989 तक जापान वाज ग्रोइंग वेरी गुड एंड वेरी जापान वाज डूइंग वेरी गुड एंड वाज ग्रोइंग वेरी वेल आप मानोगे नहीं 19 85 में उनका जो इंडेक्स था ना इंडेक्स मतलब निक्केई ये तुम लोग ने सुना है इंडिया का निफ्टी होता है ना जैसे निफ्टी निफ्टी से ना इंडिया के निफ्टी से पता चलता है कि भाई स्टॉक मार्केट का मूवमेंट इंडिया में कैसा चल रहा है तो वहां पे जापान का क्या होता है निक्केई जापान का क्या होता है निक्की निक्की निक्केई जो भी है भाई निक्की बोलो तुम लोग अपन तो इंडिया में निक्की बोलते हैं इसको सो so, जापान ने क्या किया इंडेक्स था उसका निक्की फोर्टीन थाउजेंड पॉइंट के ऊपर चल रहा था ठीक है क्या धूम मची 1989 में 39,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया ठीक है जापान का इकोनॉमी एक आइडिया दे रहा हूं खाली आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स वाज डॉलर फाइव ट्रिलियन से इन द ईयर 1989 समझ रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं आप लोग ये स्टैटिस्टिक्स को समझ रहे हैं क्या आप लोग देखो ये स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा क्या गौर से देखना जरा प्लीज ये स्टैटिस्टिक्स को गौर से देखना जरा सो इंडिया इंडेक्स ऑफ निकेई फोर्टीन थाउजेंड पॉइंट्स नाइनटीन एटी नाइन थाउजेंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के जापान वाज अ डॉलर फाइव ट्रिलियन इकोनोमी जी डी पी क्या पे होगा एनीबडी एनी आइडिया गिव मी एन आंसर प्लीज गूगल मत देखना एक गैस मारो मेरे को तुम लोग गैस चाहिए मुझे तुम्हारे गूगल से एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए गूगल पे देखकर अगर तुम मुझे आंसर देने वाले हो देन इन दैट केस सॉरी even i can do that i want your guesses what would be 2024 plus uh, 11 35 years later three and a half decades later what would be the nikkei's value and gdp of japan any idea any guesses jabo 1989 may this level come on think and answer i want each one of you to answer उउंड वन लैक्स प्लीज चेक करके मत बता फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स जी डी पी डॉलर टेन ट्रिलियन गाइज 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 मुझे भी यही लगता था दिस थर्टी नाइन थाउजेंड इज स्टिलउजेंड पॉइंट यस सोचो ये निक्की जो थर्टी नाइन थाउजेंड पे पहुंच गई थी आज थर्टी फाइव थाउजेंड पॉइंट पे ही है तो सर पैंतीस साल में ऐसा क्या हुआ कि आगे ही नहीं बढ़ सके ये लोग डॉलर टेन टोल मी डॉलर टेन ट्रिलियन सॉरी बट इट इज स्टिल डॉलर फाइव ट्रिलियन गाइज ओ एम जी ये देखो मेघा शाह टू लैख प्लस पॉइंट लिख रही है नेहा नार्वेकर वन लैख पॉइंट प्लस ए कोई बोल रहा है एट टू नाइन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई होगी ये सोचो ये हुआ इनका हाल सर कैफे 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 अब क्या आप लोग जानना चाहोगे क्या आप लोग जानना चाहोगे ये कैफे हुआ कि एक कंट्री एंड टेक्नोलॉजिकली बाय याहू दुनिया का वॉकमैन वही लोग कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो सोनी पैनासोनिक सॉरी टोयोटा इस सारी कंट्रीज सारी कंपनीज वहां तो ऐसा नहीं कि ये लोग टेक्नोलॉजिकली कहीं पे पीछे हटे ऐसा नहीं है कि लोगों का जो इतना काम करने का एटीट्यूड था वो चेंज हुआ कुछ चेंज नहीं हुआ खाली एक चीज की वजह से या मैं बोलूंगा दो चीज की वजह से ये कंट्री बर्बाद हो गई एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू यस इट इज इंटरेस्ट रेट्स आओ मैं बताता हूं क्या हुआ एक शॉर्ट में ही बताऊंगा ऑब्वियसली इतना के पास टाइम नहीं है जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ द वर्क सोचो बेचारी को धक्का लग गया होगा सदमे में चली गई थर्टी फाइव थाउजेंड पे अब तक सर पैंतीस थोड़ी थ्री एंड हाफ डेकेट साई प्रसाद कोटापल्ली ब्रदर, नो नॉट टू बी नाउ लिसन टू मी केयरफुली क्या हुआ शॉर्ट में बता रहा हूं एज आई टोल्ड यू दैट एकदम ज्यादा डिटेल में घुसने का अपने पास टाइम नहीं है अब हुआ क्या दो चीजें हुई जापान जापान करेंसी अप्रिशिएट हुआ दो चीज हुई एक्चुअली जापान करेंसी अप्रिशिएट हुआ प्लस उसको क्रूड ऑयल चलो ना ये भी मैं हटा देता हूं आप लोगों के लिए जस्ट एक लिखता हूं जापान हुआ। अगर ये सोच के इन्वेस्ट किया होता कि आज थर्टी नाइन थाउजेंड पॉइंट है कल लोग दो लाख प्लस पॉइंट हो जाएगा पैंतीस साल बाद जब तेरे बच्चे बच्चों के बच्चे देखेंगे कि हमारी दादी ने 1989 में निक्की में इन्वेस्ट किया और आज 2024 में दादी ये तो उससे भी कम है कैसा फील आएगा उनको यार <laughs> चलो जापान करेंसी अप्रिशिएट हुआ इसकी वजह से क्या हुआ पता है क्या देखो जापान इज एन एक्सपोर्टर जापान इज एन एक्सपोर्टर अभी ध्यान से सुना प्लीज दो मिनट मेरा ध्यान से सुना क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें कनेक्ट करने वाला हूं जिसके बारे में तुम्हारे को आइडिया नहीं है इंडिया के एक बात मैं कनेक्शन में बोलता हूं सपोज वन डॉलर इक्वल टू रुपीज नाइंटी है और वन डॉलर इक्वल टू रुपीज नाइन्टी फाइव हो गया दूसरा वन डॉलर इक्वल टू रुपीज नाइन्टी है इसकी जगह पे वन डॉलर इक्वल टू रुपीज सेवेंटी फाइव हो गया कौन सा एक्सपोर्टर के लिए अच्छा है ऐसा सोचो ये इंडियन एक्सपोर्टर डाल देता हूं मैं इधर देखो मुझे है कि तुम्हारे को करेंसी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है बट बेसिक नॉलेज बेसिक लॉजिक तो है ना मैं नहीं बोल रहा हूँ फ़ॉरेक्स तुम्हारा हो गया है तुम्हारे को सिखाया नहीं बट बेसिक भाई ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूं वो भी बता देगा मुझे बताओ कोई अगर आप इंडियन एक्सपोर्टर है अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर है तो वो क्या चाहेगा केस वन हो जाए या केस टू हो जाए सी लॉजिकली सोचते अगर आप इंडियन एक्सपोर्टर हो और आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो से आपको डॉलर मिलेगा समझो मेरे को एक लाख डॉलर मिला तो वन लाख इन नाइनटी फाइव मुझे नाइनटी फाइव लाख रुपीज मिल जाएगा और अगर समझो मुझे एक लाख डॉलर मिला बट ये साला सेवेंटी फाइव हो गया तो मुझे तो सेवेंटी फाइव लाख रुपीज ही मिलेगा तो मुझे तो ज्यादा चाहिए तो आई आई डोंट वॉन्ट दिस आई वांट दिस बराबर है तो कहना डॉलर के टर्म्स में मुझे चाहिए रुपीस बढ़ता जाए बराबर 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 हिमांशु केस टू एवरीबॉडी वांट्स केस टू हा केस वन

ठीक है सो एवरीबडी वॉन्ट्स दैट एवरीबडी वॉन्ट्स दैट सो अगर मैं इंडियन एक्सपोर्टर की बात करता हूं तो हमारे पास वन डॉलर इक्वल टू नाइनटी है वन डॉलर इक्वल टू रुपीज नाइनटी है और वन डॉलर इक्वल टू रुपीज नाइनटी फाइव है हम चाहते हैं ये बढ़ जाए हम चाहते हैं ये हो बराबर है वैसे ही जापानीज एक्सपोर्टर भी चाहता था जापानीज एक्सपोर्टर भी चाहता था कि अगर वन डॉलर इक्वल टू थ्री फिफ्टी एन है तो वन डॉलर इक्वल टू फोर हंड्रेड एन हो जाए बट ऐसा हुआ नहीं हुआ क्या पता है क्या हुआ क्या जापानीज करेंसी अप्रिशिएट हो गया मतलब ये जो वन डॉलर इक्वल टू थ्री फिफ्टी एन था ये हो गया वन डॉलर इक्वल टू टू फिफ्टी एन अब

वेरी गुड शिखर नेहा मेघा किशन हिमांशु पिंटू चेरी अश्विनी राहुल अरुण मिथिलेश पलक सब लोग ने करेक्ट आंसर दिया है एंड दैट इज दे विल बिकम सैड द जैपनीज एक्सपोर्टर विल बिकम सैड जैपनीज एक्सपोर्टर बोलेगा कि यार वी आर लूजिंग मनी बराबर है क्यों क्योंकि अब मेरा करेंसी

कि यार ये तो गलत है ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है अब हम लोग को एक्सपोर्ट नहीं करना है क्योंकि एक्सपोर्ट जितना भी हम लोग कर रहे हैं हम लोग को तो इनफैक्ट कम करेंसी मिल रहा है हम लोग के उसमें इतना कम वैल्यू मिल रहा है तो जापानीज गवर्नमेंट ने बोला तो क्या करे तो, तो जापानीज गवर्नमेंट ने जापान के एक्सपोर्टर को पूछा जापान के एक्सपोर्टर को पूछा क्या करे जापान ने बोला ऐसा करो देखो अब तक क्या कर रहे थे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे मतलब वी वर सेलिंग आउट ऑफ जापान आप कुछ ऐसा करो दैट जापान सेल्स डोमेस्टिकली जापान सेल्स डोमेस्टिकली ठीक है ना तो अगर अपनी करेंसी में बेच रहा हो तो टेंशन नहीं है ये तो बाहर की करेंसी में बेच रहा था तो कन्वर्जन पे पता चलता है कि यार मेरे को तो पैसा कितना कम मिल रहा है सो so, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को बोला गवर्नमेंट डू समथिंग सो दैट जाप सेल्स डोमेस्टिकली मतलब जापान एक्सपोर्ट ना करके विद इन इट्स ओन कंट्री ही सेल करना चालू करे जापान गवर्नमेंट ने बोला ठीक है डन जापान गवर्नमेंट ने बोला ठीक है डन सो जापान गवर्नमेंट ने बोला ओके डन अब इसके लिए जापान गवर्नमेंट ने क्या किया बताया क्या जिसकी वजह से थर्टी फाइव इज हो गए बिचारे अब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए हैं। जापान गवर्नमेंट ने अपना मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू जो इंटरेस्ट रेट था ना वो रिड्यूस कर दिया फ्रॉम सिक्स परसेंट टू टू परसेंट यस यू हर दैट राइट जापान गवर्नमेंट ने क्या किया रिड्यूस कर दिया अपना रेट फ्रॉम सिक्स परसेंट टू टू परसेंट अब इससे क्या होगा ध्यान से सुनना जैसे ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया कैन आई से पब्लिक को लोन इजीली मिलने लग गया लोन इजीली अवेलेबल जब लोन इजीली अवेलेबल होता है तो कैन आई से आपका कंजम्पशन पावर बढ़ जाता है कंजम्पशन इंक्रीजेस जैसे ये कंजम्पशन इंक्रीज हुआ ये जो जापान का एक्सपोर्टर था वो खुश हो गया वो बोला कि अरे वाह गवर्नमेंट वेरी गुड क्यों पता है क्या क्योंकि अब पब्लिक कंज़म्पशन इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से जो जापान को एक्सपोर्ट करना पड़ता था एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा लोकली सेल होना चालू हो जाएगा लोकल सेल्स इंक्रीज हो गया लोकल सेल्स इंक्रीज हो गया समझ में आया तुम लोग को इतना समझ में आया तुम लोग को इतना इंटरेस्ट रेट कम किया सी, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग छोड़ो ना वो सब वर्ड बाद में देखेंगे कि बट किसी को पता है एनी आइडिया कुछ आइडिया इंडिया में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है मैं बोलता हूं अप्रोक्सिमेटली एट टू टेन परसेंट ठीक है होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अप्रोक्सीमेटली एट टू टेन परसेंट अगर ये होम लोन का इंटरेस्ट मैं आपको अचानक से कर देता हूं कल से दो परसेंट तो आप क्या करोगे बोलो बोलो आप क्या करोगे पब्लिक बोल रहे हैं नाइन परसेंट चलो मैं बोलता हूं नाइन परसेंट का मैंने अचानक से इसको टू परसेंट कर दिया <coughs> क्या करोगे जैसे ही मैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता हूं पब्लिक को लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा क्वांटिटेटिव इजी इजीली अवेलेबल हो गया भाई मनी समझ में आ रहा है तुम को अब इसकी वजह से पूरा हाउस लोन पर ले लूंगा वेरी गुड घर ही घर लूंगा लोन पर वेरी गुड एवरीवेडी विल स्टार्ट टेकिंग होम लोन अब तुम लोग तुम लोग जिसको कोई आइडिया ही नहीं है तुम लोग साले दो टके के आर्टिकल क्लर्क जिन्होंने कभी पांच हजार रुपए के ऊपर कभी देखा नहीं है तुम जैसे लोग बोल रहे हो कि हम लोग होम लोन लेकर होम लेना चालू कर देंगे तो सोचो जापान वालों ने क्या किया होगा तुम लोग तो साल तुम्हारे अकाउंट में तो पांच से ज्यादा होगा नहीं तुमने उतने ज्यादा कमाए नहीं आर्टिकल लोगो दो टके तुम लोग तुम लोग तो कोई औकात ही नहीं है तुम लोग ने इतना सोच लिया अरे मतलब कल चार्टर्ड बनोगे बट आज तो मतलब समझ रहे हो ना तो 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 क्या होगा तो पब्लिक क्या करने लगा पता है जापान मार्केट में क्या होने लगा पूरे जापान में क्या होने लगा पता है जापान कंट्री में एवरी बड़े स्टार्टेड टेकिंग लोन एवरीबडी स्टार्टेड टेकिंग लोन कुछ ये लोन से डालते थे स्टॉक मार्केट में अब जैसे ही ये स्टॉक मार्केट में डाला वो जो मैंने बोला था ना चौदह हजार पॉइंट से वो थर्टी नाइन थाउजेंड पॉइंट पे पहुंचा वो पैसा यहां से ही आया था और दूसरा ये लोन लेकर जय दूसरा वो लोग ने डालना चालू किया रियल एस्टेट में अब मैं क्या करूंगा समझना ध्यान से बात को मैंने समझो एक घर लिया दस लाख के लोन के ऊपर जब मैंने ये घर लिया था तब इस इस इस, इस, इस इसका वैल्यू था रुपीज टेन लाख ठीक है और टेन लाख के लोन पे मैंने ये घर लिया एग्जांपल दे रहा हूं एट्टी परसेंट ही लोन मिलता है अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली अब मैंने ये घर ले लिया दस लाख का अब क्या होगा पता है क्या मेरे को लोन इजीली मिल गया एकदम इजीली लोन ले दे रहे थे वो लोग तभी फिर मैं बोलूंगा कि मेरे को और घर लेना है अब मैं क्या करूंगा मैं और एक घर लेने को जाऊंगा बीस लाख रुपए का पर मैं क्या कर दूंगा इसको मैं मॉडगेज रख दूंगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो मॉडगेज चाहिए होता है तो मैं क्या कर दूंगा ये जो घर मैंने पहले लिया था तो उसको मॉडगेज रख दूंगा अब इतना लोग बाइंग करने लगे अब मुझे एक बात बताओ इतने सारे लोग लोन लेकर होम बाइंग करने लगे होम बाइंग करने लगे रियल एस्टेट मार्केट को क्या होगा आप लोग सोच समझ के बताओ क्या होगा जैसे ही लोग लोन लेने लगेंगे जैसे ही लोग लोन लेने ल, जैसे ही लोग लोन लेके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगेंगे रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ जाएगा जो जो चीज मैंने दस लाख की ली थी अब वो पंद्रह लाख की हो जाएगी ये पंद्रह लाख को मॉडगेज रख के मैं और एक पंद्रह लाख का चलो लोन ले लेता हूं और ये पंद्रह लाख का लोन लेके मैं एक बीस लाख का घर ले लूंगा ये बीस लाख का घर और लोग खरीदते जा रहे लोग लोन लेते जा रहे खरीदते जा रहे ये लाख की चीज तीस लाख रुपए की हो जाएगी अभी अंडरस्टैंडिंग गाइज डिमांड बढ़ने लगा रियल एस्टेट डिमांड स्काई रॉकेटेड इन जापान स्काई रॉकेटेड इन जापान जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट वाज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली वाज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली मतलब ह्यूज लेवल पे रियल एस्टेट मार्केट बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा मतलब दस लाख का मेरा घर बीस लाख का हो गया बीस लाख का मेरा घर पचास लाख का हो गया रातों रात पैसा ही पैसा होगा सब लोग को बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिल गया और पब्लिक और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते गया अब अब सुनो क्या हुआ अब सुनो क्या हुआ अब गवर्नमेंट ऑफ जापान को रियलाइज हुआ हाइला ये क्या खुफिया बनती हो गई अरे भाई अरुण बोल रहे बूम आया बूम छोड़ो बूम बूम बुमरा आ गया <laughs> क्या हुआ बूम बूम बुमराह हो गया मतलब लिटरली एक टाइम था जब ये लोग का अगर मार्केट पर स्क्वायर फीट हजार पर स्क्वायर फीट था ना दैट वेंट टू टेन थाउजेंड पर स्क्वायर फीट उस लेवल पे पहुंच गया क्यों लोन ले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ा कोई भी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसका वैल्यू और प्राइस बढ़ेगा सीधी सी बात है वाव मैंने घर लिया मेरा घर का वैल्यू और प्राइस बढ़ गया ए भाई चल और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं लोन तो इजीली मिल रहा है चल मैंने और रियल एस्टेट के लिए लोन लिया लोन मिला मैंने और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और वैल्यू बढ़ा और प्राइस बढ़ा बढ़ते बढ़ते हजार हजार का दो हजार का पांच हजार का दस हजार पर स्क्वायर फीट पहुंच गया इट इज अ ट्रू थिंग दैट हैपेंड विद जापान एंड देन जापान गवर्नमेंट रियलाइज बॉस ये तो खुफिया बनती हो गई जापान गवर्नमेंट रातों रात उन्होंने अपना मॉनेटरी पॉलिसी चेंज किया उन्होंने बोला दो परसेंट से वापस से जब तक सब स्यापा गेम बर्बाद हो चुका था स्टॉक मार्केट थर्टीन थाउजेंड से 39,000 नाइन थाउजेंड तक पहुंच चुका था रियल एस्टेट हजार पर स्क्वायर फीट से दस हजार पर स्क्वायर फीट पे पहुंच चुका था फिर इनको चमका हिला ये तो खुफियाबंदी हो गई एंड इन्होंने फिर अचानक से रातों रात इंटरेस्ट रेट वापस से बढ़ा दिया टू परसेंट टू सिक्स परसेंट अब क्या होगा बोलो अब मैंने जो लोन लिया था वो ये सोच के लोन लिया था कि मेरे को दो टका ही देना है इंटरेस्ट अब गवर्नमेंट ऑफ जापान बोलता है नहीं तुम्हारे को टका इंटरेस्ट देना है क्या मेरे पास टका देने के लिए पैसा है क्या नहीं मैंने तो दो टके के हिसाब से सोचा था अब सिक्स परसेंट इंटरेस्ट देना है मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मेरे पास जो मॉडगेज में घर पड़ा है उसको मैं क्या करूंगा मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा गवर्नमेंट तुम रख लो नहीं चाहिए हमारे को इसकी वजह से इसकी वजह से ओवर सप्लाई हो गया कहां पे रियल एस्टेट मार्केट में स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स था पब्लिक ने बेचना चालू कर दिया क्योंकि अब उनको लोन चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है तो जैसे तैसे करके उन्होंने थोड़ा लोन चुकाना चालू किया मार्केट में अपना स्टॉक बेच के स्टॉक मार्केट गिरने लगा सप्लाई प्रेशर रियल एस्टेट में सब लोग बेचने लगे सब लोग बेचने लगेंगे सप्लाई प्रेशर मार्केट का वैल्यू रियल एस्टेट मार्केट का वैल्यू डाउन हो गया एंड एवरीथिंग कोलैप्स्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो जापान ने एक लेवल पे लेके गए थे गॉश समझ में आया तुम लोग को क्या हुआ यहां पे सो नाउ जापान वॉज इन शैम्बल्स मतलब अब करे क्या वो लोग जस्ट इमेजिन मेरा जो हजार पर स्क्वायर फीट का था दस हजार स्क्वायर फीट का वैल्यू हो गया था अब वो अचानक से ड्रॉप डाउन कॉन एंड दे हैड टू फेस बिग बिग मॉनिटरी लॉसेस पूरा का पूरा जापान मार्केट क्रैश डाउन जपैन मार्केट क्रैश डाउन यस और ऐसा क्रैश हुआ आज चालीस साल के बाद भी इट इज नॉट रिगेंड द सेम पोजिशन नॉट रिगेंड द सेम पोजिशन सोचो 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 गाई समझ में आया क्या बताया मैंने पूरा सिस्टम अरे बोलो यार बोलो बोलो चल चल सो दिस इज वेयर क्या अब आपको समझ में आया मेन क्या समझाना था बताए कि इंटरेस्ट रेट प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल ये इंटरेस्ट रेट को आपने अगर बराबर से नहीं किया गेम बराबर देन इन दैट केस इट कैन लीड टू समथिंग लाइक अ जापानीज एसेट बबल दैट वी जस्ट विटनेस्ड जिसका इंपरकेशन जिसका रेपरकेशन चालीस साल तक भुगतना पड़ा अभी तक मतलब वो जो हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्बिंग था उससे वो लोग उभर गए इस फाइनेंशियल क्राइसिस से आज तक नहीं उभर पाए वैसा ये भी एक 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 आइडिया दिया है। और डिटेल में कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा हाउ इट इट ऑल वेंट ऑन बट ये नंबर से ही पता चल जाता है यार पांच बिलियन डॉलर का पांच ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी तुम आज से चालीस साल पहले थे आज भी तुम उतने ही हो निक्की जो तुम्हारा मेन इंडेक्स है जो चालीस साल पहले था अभी तक तुम वहां पे पहुंच नहीं पाए हो मतलब पाएसली इट वॉज अ फाइनेंशियल मैस यार बीच में कितने सारे इयर्स थे जब देर इन रियल एस्टेट मार्केट ऑफ जापान नेगेटिव ग्रोथ सोचो तो पब्लिक खरीदेगा ही नहीं घर उसको यार घर खरीदूंगा मेरा वैल्यू डाउन हो जाएगा इस घर का इंडिया में तो अपन कैसे घर खरीदते हैं और सोचते हैं कि यार चल आज दस लाख में लिया है कल पंद्रह लाख हो जाएगा आप सोचो जापान में हो दस लाख लिया है कल उसका वैल्यू सात लाख हो गया जापानीज एसेट बबल मेरा ए, एक सेकंड समझ में आया तुम लोग को क्या हुआ ठीक है अब अब देखो इसको इसको क्यों बबल बोलते हैं पता है क्या गुब्बारा देखा है तुम लोग ने गुब्बारा ठीक है सो गुब्बारा कैसे फूलता है फूलता है फूलता है वैसे ये एसेट ये क्या हुआ स्टॉक मार्केट सॉरी रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट प्राइसेस बढ़ते गए बढ़ते गए फूलते गए एक खाली इंटरेस्ट रेट टू परसेंट से सिक्स परसेंट एक सुई लगाई एंड बबल <laughs> गाइस समझ में आया तुम एवरीबॉडी एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग या थोड़ा हाई लेवल हो रहा है तुम लोग के लिए या मजा आ रहा है प्लीज टेल मी सो दैट आई विल कंटिन्यू मेरा सेकंड एग्जांपल रेडी है आ रहा है सो so, इंटरेस्ट रेट जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन

क्या सोल्यूशन था क्या नहीं वो सब बताऊंगा बाद में वो अपन डिस्कस करेंगे बट फिलहाल अपने को ग्रेट सुपर इंटरेस्टिंग नाइस मजा आ रहा है वेरी नाइस यस सर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट चलो यही चीज अब चल रहा हूं मैं आपके दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर मैंने आपको बताया था अभी मुझे वापस से लिख के बताओ ए, 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 सब लोग को आंसर देना है यार खाली कुछ लोग ही क्यों आंसर दे रहे हैं भाई सब लोग को आंसर देना है हाउ Is it going? Did you understand the example? Did you enjoy it? Did you Do you want me to give you more examples like this? Great, great. So now अच्छा मुझे बताओ तो कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी कोई भी कंट्री के लिए दो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट को आपने बराबर सही नहीं किया खिलवाड़ किया क्या हुआ जैपनीज एसेट बबल 40 साल तक इंपैक्ट दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन ध्यान से समझना इसको भी ध्यान से समझना इसको भी ये मेरा सेकंड एग्जांपल आ रहा है एंड दिस गाइस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन अब बात कुछ उन दिनों की है प्रोबली लेट नाइनटीन की ठीक है लेट नाइनटी मतलब क्या हुआ पता है क्या जापान के साथ अभी अगर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा और तुम लोग है ना जापान के साथ कनेक्ट कर पाओगे जापान नाइनटीन एटीज का बादशाह था बादशाह टेक्नोलॉजी ए वन एक्सपोर्ट ए वन जी डी पी ए वन एवरी थिंग गोइंग ग्रेट ठीक है क्या इसे जापान का हाल इंडिया के क्रिकेट टीम के जैसा हो गया दस मैच जीता सब मैच जीता सब मैच जीता अपन लोग भी यार बट फाइनल में हार गया जापान भी टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा था एम्प्लॉयमेंट बेस्ट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जापान लोग एकदम मेहनत करने वाले लोग फाइनेंशियली डूइंग गुड जीडीपी डी सेकेंड लार्जेस्ट ऑलमोस्ट गोइंग टू बिकम द फर्स्ट लार्जेस्ट निके थर्टी थर्टीन थाउजेंड से थर्टी नाइन थाउजेंड बट आई थिंक दिस इज वॉट हैपेंड टू जापान अपना भी वही हाल हुआ ना बॉलर सब अच्छा बॉलिंग डाल रहे हैं बैट्समैन सब अच्छा बैटिंग कर रहे हैं फील्डिंग फील्डिंग का तो स्पेशल अवार्ड रखा सब अच्छा फील्डिंग कर रहे हैं बट बट एक जगह पे अपन लोग ने हालत अपना खराब हो गया and that is where things, ऐसा ही कुछ जो रोहित शर्मा के साथ, और उसकी टीम के साथ और अपने साथ हुआ है ऐसा ही कुछ जापान के साथ हुआ अपने लिए तो एक गेम था उनके लिए तो पूरी उनकी इकोनॉमी थी चालीस साल तक उसका दर्द रहा आई होप इंडिया बहुत जल्द वर्ल्ड कप जीते और अपना वो दर्द ज्यादा टाइम तक ना रहे चलो चलते हैं अपन लोग सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर और मोए मोए निकलेगा दिल से आओ इधर सुनो हाँ अब टू मिनट्स ओके okay, चलो अब बात उन दिनों की है लेट नाइनटीन एटीज ठीक है एक जगह है जिसका नाम है जिम्बाब्वे नाम तो सुना होगा एटलीस्ट क्रिकेट के हिसाब से सो so, हुआ क्या आप लोगों को पता है क्या जिम्बाब्वे वाज कॉल्ड एज द क्राउन ऑफ साउथ अफ्रीका बस आपको एक बता अफ्रीका इट वाज कॉल्ड एज क्राउन ऑफ अफ्रीका कौन ठीक ना, Zimbabwe ठीक है है को बोलते थे एक था में जब वक्त की मार कुछ ऐसी पड़ी वक्त की मार कुछ ऐसी पड़ी के सन दो हजार में टू थाउजेंड में वन यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू थ्री फिफ्टी बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर बीस साल में काया पलट सोचो जस्ट इमेजिन सर एफे कैफे हुआ ये क्या हुआ दूसरा सिनारियो इन्फ्लेशन हम्म hmm. अब देखना क्या होने लगा समझो तो 1980s में कुछ जिम्बाब्वे को आजादी मिली ठीक है ब्रिटिशर्स उन लोग को फ्रीडम uh, मिला 1980s में ये तुम लोग हो ना साथ में रिप्लाई करते रहो यार हाँ शिवम वेरी गुड शिवम गुप्ता बाकी लोग भी रिप्लाई तो करो सर क्या ये क्या 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 सर ये कैसे हुआ ऐसा कुछ रिप्लाई तो करो तो मुझे लगे हाँ भाई ये लोग है हाँ। so जिम्बाब्वे को फ्रीडम मिला तो उनका जो प्रेसिडेंट था रॉबर्ट मुगाबे नाम सुना होगा शायद तुम लोग ने एनीवेज तो उसने क्या किया सारा का सारा लैंड अपने पास ले लिया और थोड़ा सा 1980s में यहाँ पे है ना जिम्बाब्वे में मेडिकल इश्यूज आ गया मतलब वो जो फेमाइन होता है ना फेमाइन आया अर्थ बोल लो या कुछ इश्यूज आ गया तो उन्होंने क्या किया जिम्बाब्वे ने वेरी गुड 350 350 और बिलियन डॉलर देखो ये सौरभ बिचारा बोल रहा है कि सर वन यूएस डॉलर इक्वल टू वन जिम्बाब्वे डॉलर समझा फिर 2000 में वन यूएस डॉलर इक्वल टू सर 350 फिफ्टी जिम्बावियन डॉलर होगा ना आपने 350 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर लिखा है मुझे पता है मैंने क्या लिखा है ये नहीं हुआ है ये हुआ हा वन यूएस डॉलर इक्वल टू थ्री फिफ्टी बिलियन जिम्बावियन डॉलर कैसे क्या बता रो बता रहा तो जिम्बाब्वे में थोड़े मेडिकल इश्यूज होने लगे नाइनटीन एटीज में जिम्बाब्वे जस्ट अभी फ्रीडम मिला था तो उसको पैसों का जरूरत लगा तो जिम्बाब्वे ने क्या किया लोन लिया किसके पास, पास से अमेरिका के पास से अमेरिका के पास से लोन लिया अब जैसे अमेरिका के पास से लोन लिया फिर उसने अपने आ, जो लोग थे जिनको मेडिकल इश्यूज था उन लोगों को दे दिया और उन लोगों को बोला कि भाई ठीक है ये मेडिकल इश्यूज अभी इससे ठीक हो जाएगा अब लोन लिया है यूएसए से तो उसको रीपे तो करना पड़ेगा ना रीपे करना है विद इंटरेस्ट रीपे करना है विद इंटरेस्ट प्लस जो जिम्बाब्वे है वो रिसेंटली फ्रीडम मिला था तो उसके पास जो उसके लोग थे लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं था ज्यादा जिम्बावियन करेंसी नहीं था सो पीपल डिड नॉट हैव मच मनी पीपल डिड नॉट हैव मच मनी अब मेरे को एक बात बताओ आप जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हो अभी के लिए आपके लोग बोल रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं हमारे को पैसा दो आपको यूएसए बोल रहा है, यार मेरा लोन है मेरा लोन के साथ मेरे को इंटरेस्ट दे तेरे जिम्बावियन डॉलर की करेंसी में दे चलेगा बट मेरे को दे मेरे को लोन चाहिए इंटरेस्ट चाहिए आपको आपके लोग बोल रहे हैं चल मेरे को 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 हमारे हमारे पैसा पैसा दो थोड़ा को पैसा चाहिए खर्चा करने के लिए आप क्या करोगे आप प्रेसिडेंट हो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के आप प्रेसिडेंट हो लोग पैसा मांग रहे हैं अमेरिका पैसा मांग रहा है अपना विद इंटरेस्ट आप क्या करोगे मुझे बताओ चलो स्टार्ट बोलो वेरी गुड विनायक शर्मा अदर्स सीधी सी बात है आप बोलोगे कि सर पैसा नहीं है ना पैसा छाप देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे किसके पास है प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे के पास प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे को पैसा चाहिए तो उन्होंने क्या किया जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करना चालू कर दिया मिथिलेश बोल रहे आस्क आईएमएफ फॉर लोन भाई वो टाइम पे इतना आईएमएफ था आईएमएफ ऐसा नहीं, नहीं था पर उतना दिमाग नहीं लगा है कि लोन उनसे मांग ले जिम्बाब्वे ने क्या किया बोला चलेगा ना पैसा चाहिए चलो प्रिंटिंग करेंसी प्रिंट करना है वो तो अपने पास ही है चलो करेंसी प्रिंट करो लोगों को दे दो करेंसी प्रिंट करो यूएसए को लोन रिपे कर दो ऐसे करते-करते ये लोग ने अब जो करेंसी छापना चालू कर दिया यस एंड दैट रिजल्टेड इन ओवर ओवर प्रिंटिंग अब होता क्या है पता है क्या इन्फ्लेशन का एक सबसे बड़ा कारण क्या है पता है लिक्विडिटी इन द मार्केट जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी आता है ना तो मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज इजी लिक्विडिटी इन द मार्केट अब हुआ क्या लोगों के पास पैसा आ गया लोगों के पास जैसे ही पैसा आ गया जो बिजनेस वाले हैं वो लोग ने देखा कि लोगों के पास पैसा आ गया तो उन्होंने अपना बढ़ाना चालू कर दिया प्राइस तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया तो अब जो लोग पैसा दे रहे थे उसमें वो लोग को से पहले दस जिम्बाबियन डॉलर में एक पेन मिलता था अब बिजनेसमैन को देख गया कि यार यहाँ पे तो लोगों के पास पैसा है तो उसने बोला ये एक, एक पेन सौ जिम्बावियन डॉलर का है तो लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट आपने हमारे को दस जिम्बाव डॉलर सौ जिम्बाव डॉलर दिया हमको लगा हम दस पेन खरीद पाएंगे बट इससे तो हम एक ही पेन खरीद पा रहे हैं तो आप हमारे को और पैसा दो तो लोगों को और प्रिंट करके और पैसा देना चालू कर दिया जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने एंड फिर बाद में आप समझ सकते हो इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन और एक ऐसा टाइम आ गया कि इन्होंने वन मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का एक नोट छापा फिर एक ऐसा टाइम आ गया वन बिलियन जिम्बावे डॉलर का एक नोट छापा फिर वन ट्रिलियन जिम्बावे डॉलर का एक नोट छापा और फिर बाद में जिम्बाबियन डॉलर करेंसी खत्म एक टाइम ऐसा था जब इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया उनका कि एक ब्रेड का कॉस्ट था वन बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर लोग पैसा गोनी में लेकर जाते थे एक ब्रेड खरीदने के लिए एक किलो भिंडी खरीदने के लिए एंड इट्स अ ट्रू फैक्ट यस यू हर्ड इट राइट इट्स अ ट्रू फैक्ट आपको ब्रेड इन जिम्बाब्वे सोचो ऐसा हालत हो गया 2008 का मैं अगर फोटो दिखाता हूं ये देखो ये देखो लोग कैसे लेके जा रहे हैं इतना सारा पैसा लेके खाली एक ब्रेड आपको मिल रहा है खाली एक ब्रेड आपको मिल रहा है दैट्स इट इतना ऐसे ऐसे लोग पूरा पैसा लेके जाते थे ये देखो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे वन हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर का एक नोट गाइस ओ एम जी दिल से निकला ना ये देखो क्या लगा सर खुफिया बना रहे अरे जेनुअनली मैं तो वन ट्रिलियन डॉलर बोला था सॉरी वन हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर का एक नोट किसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे और ये कोई बच्चे वाले नोट नहीं है ये जेनुइन नोट है वो देखो उधर लाइन भी दिख रहा है आपको सोचो ये बात है भाई ये बात हो गई जिम्बाब्वे में मजाक नहीं कर रहा हूं मैं एंड दैट इज वे जिम्बाब्वे गवर्नमेंट खत्म जिम्बाब्वे गवर्नमेंट भी खत्म हो गई उन्होंने अपना करेंसी कन्वर्ट कर दिया यूएस डॉलर में सोचो आपका खुद का करेंसी उन्होंने बंद कर दिया उन्होंने अपना करेंसी कन्वर्ट कर दिया यूएस डॉलर में जिम्बाब्वे करेंसी को ही उन्होंने जिम्बा कर दिया क्योंकि वैल्यू ही नहीं रहा आप करेंसी का अपना समझ रहे हो सो so, बेसिकली कहने का मतलब क्या है अगेन फिर और भी बहुत सारी चीजें हुई फिर उनका एक नया प्रेसिडेंट आया उसने चीजों को स्टेबिलाईज किया फिर वापस से उसने भी यही गलती की

आपके लिए आज का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में टाइप करके बताना है अगर आप बाद में देख रहे हो तो विच इज द फास्टेस्ट कन्वर्जन फास्टेस्ट इन्फ्लेटेड कंट्री पुराना टाइम है फास्टेड इन्फ्लेशन रेट कौन सी कंट्री का है विच कंट्री जिसका 15 आवर्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स डबल्ड आप सोचो ना आज सुबह आपको मैंने आपने मुझे फोन किया सर आपका लेक्चर लेना है कितने का है मैं आपको बोलूंगा रुपीज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एग्जाम कल फोन करते हो सर कितने का है ओनली रुपीजन थाउजेंड आप मुझे परसों फोन करते हो ओनली रुपीज थर्टी थाउजेंड आप मुझे तीन दिन बाद फोन करते हो ओनली रुपीज सिक्सटी थाउजेंड है ये क्या चल रहा है सर दिस इज वॉट हैपेंड इन जिम्बाब्वे बट एक कंट्री है जिसका फिफ्टीन आवर्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स डबल्ड आप लोग को वो मुझे बताना है ढूंढ के ट्राई करना देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं ठीक है ना लेट्स सी चलो तो यह आपका आज का टास्क ऑफ द डे आपका रोडीज टास्क ऑफ द डे क्या है रोडीज टास्क फास्टेस्ट इन्फ्लेशन रेट आपको कौन सी कंट्री का है वो मुझे बताना है चलो सो बेसिकली दिस इज वॉट हैपेंड विद टू बिग कंट्रीज जो दोनों सोने की चिड़िया थी जापान पूरे वर्ल्ड के लिए जिम्बाब्वे अफ्रीका के लिए अश्विनी इज गॉट द करेक्ट आंसर हाउ अश्विनी नो यार वेरी नाइस गूगल बाबा ओके चलो सो एक आज अपन लोग ने सीखा कि कैसे अच्छा मुझे बताओ मुझे बताओ वापस से वापस से वापस से मुझे बताओगे आप लोग के सुनो मुझे आप लोग बताओगे अभी शिवम हाउस ऑफ इज गिविंग द करेक्ट आंसर ठीक है तुम लोग का टास्क कंप्लीट हुआ कौन सी दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी कंट्री कोई भी गवर्नमेंट के लिए टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर अ गवर्नमेंट कम ऑन गाइस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर गवर्नमेंट बोलो या मैं बोलू आरबीआई या मैं बोलू फाइनेंस मिनिस्टर टू मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स एवरीबॉडी कम ऑन सबको आंसर देना है क्या सीखे आज आप दो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स है एक है इंटरेस्ट रेट दूसरा है इन्फ्लेशन कभी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे ना ये दो वर्ड कम से कम सौ बार देखने को मिलेंगे हर एक कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर डरता है इससे यस yes, क्योंकि ये अगर कंट्रोल में नहीं आया तो ये अगर कंट्रोल में नहीं आया तो जापान का अट बबल हो सकता है जिसको आप प्यार से जिसको आप प्यार से स्टैगफ्लेशन भी बोल सकते हो बच्चा स्टेगफ्लेशन मतलब स्टेगनेंट हो गया ना ये लोग का इकोनॉमी और दूसरा इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो सकता है यस हमारा करेंसी डिसकंटिन्यू हो सकता है जो हमारे जिम्बाब्वे के साथ हुआ जो हमारे जिम्बाब्वे के साथ हुआ और इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन गाइस इसको क्या बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन ए एड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क वेरी नाइस एवरीबॉडी इज आंसरिंग एंड दैट्स आई वॉन्ट ठीक है समझ में आ गई ये दो चीजें अब 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 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त अभी और अराउंड ट्वेंटी मिनट्स का काम बाकी है प्लीज फोकस रहना बिकॉज अब मैं तुम लोग को आरबीआई का गवर्नर बनाने वाला हूं जी हाँ आपने एकदम सही सुना सर इतना बड़ा नोट तो बोर्ड गेम में भी नहीं होता है सोचो रियल लाइफ में था जिम्बाब्वे में एनी अब मेरी कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है मैं तुम्हारे को बनाना चाहता हूं आरबीआई गवर्नर जी हाँ आरबीआई गवर्नर सुना होगा मॉनिटरी पॉलिसी और ये सब आरबीआई गवर्नर के हाथ में होता है भाई नोट देखा है ना नोट नोट के ऊपर साइन किसका है आरबीआई गवर्नर का जब तक वो नोट के ऊपर आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं है ना तब तक उस नोट का वैल्यू नहीं है इतना याद रखना तो कितना इंपॉर्टेंट है आरबीआई गवर्नर समझ गए सर समझ गए वेरी गुड अब आज उतना इंपॉर्टेंस मैं आपको देना चाहता हूं आज मैं आपको आरबीआई गवर्नर बना के छोड़ूंगा और अगर आप आरबीआई गवर्नर बने Then in that case, क्या decisions लोंगे, वो आज मैं आप की तरफ से समझना चाहूंगा। और stock market के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो भी आज आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया देके जाऊंगा आई यू रेडी टू फॉर दिस फाइनल फ्रंटियर जैसा तुम लोग ने बोला कि फर्स्ट एग्जाम्पल में मजा आ गया तो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया सेकेंड एग्जाम्पल में कैसा रहा अभी मेरे को बताओ ओवरऑल अभी तक सेशन कैसा चल रहा है जैसा तुम लोग रिस्पांस करोगे फिर मैं उस हिसाब से आगे का करूंगा दिस इज द लास्ट थिंग आज ये कंप्लीट करके आज का सेशन कंप्लीट सो गिव मी योर व्यूज एंड रिव्यूज कम ऑन एवरीबॉडी तब तक हम थोड़ा चाय का एक कश लेते हैं एवरीबॉडी कम ऑन हाउ इज इट गोइंग बोलो बोलो टेल टेल लवली क्या बात है एक तुम लोग को प्रॉमिस देना है मुझे आज एक प्रॉमिस तुम लोग को देना है तुम लोग आज मुझे व्हाट्सएप करोगे क्या मेरे नंबर पे क्या व्हाट्सएप करोगे अपना नेम अपना लोकेशन एंड लिख के दोगे रेडी टू रॉक एफएम

इज द जोश हाउस द अप्रोच तुम लोग मुझे ये लिख के दोगे एंड तुम लोग अपनी स्टोरी में आज डालोगे अगर इंस्टा पे हो तो मुझे टैग भी कर सकते हो कौन सा पिक अपने फोर फेजेस एएफएम वाला फोटो एंड यस इफ तो अपना व्हाट्सएप स्टोरी पे डाल देना या इंस्टा स्टोरी पे डाल देना चॉइस इज योर्स व्हाट्सएप और इंस्टा व्हाट्सएप तो सबका होता ही है तो उस पर डाल सकते हो तुम लोग राइट right, गाइस तो मैं ये अप्रोच रखू तो चलेगा ना मतलब मैं तुम लोग को प्रैक्टिकली कनेक्ट करूंगा और फिर बाद में चीजों को बताऊंगा जकास बहुत एग्जाम्पल ऑसम चल वेरी नाइस तुम्हारे को बस ये मजा मैं आपको आने वाले दो महीने तक देना चाहता हूं लेट्स स्टार्ट अब सुनो मैं तुम्हारे को क्या बना रहा हूं रिप्लाई करो रिप्लाई करो मैं तुम्हारे को क्या बना रहा हूं फेडिटी फटाफट -फड़ आंसर करो एवरीबॉडी अभी आज तुम लोग मेरे लिए क्या बनने वाले हो बोलो जल्दी यार आई नो दो मिनट का लैग है बट रहा नहीं चाहता वॉट एम नाउ आई गोइंग टू मेक यू एफआई नहीं मैंने अभी तुमको बताया ना हाँ करेक्ट मिथिलेश अल अदर्स कम ऑन एवरीबॉडी मिथिलेश वेरी गुड नेहाता ही बरोबर अपूर्वा सारू सौ राजपूत सही बोल रहा है शुक्ला जी चारी पोदार क्या बोल रही है छोरी हम्म अरुण दे बालो ई okay, गवर्नर great, great. आने वाले पंद्रह मिनट नजर घटेगी दुर्घटना घटेगी तो प्लीज स्टे वेरी फोकस्ड और मैं जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहिए आरबीआई गवर्नर का दो मेजर रोल होता है मैनेज करना क्या आरबीआई का रोल होता है टू मेजर थिंग्स टू मैनेज वॉट आर दे Two major things that the RBI governor has to manage. Come on, everybody, tell me. वेरी गुड करेक्ट आंसर्स बाय एवरीबॉडी दो चीज जो आपको मैनेज करनी है नो 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 यस वेरी गुड अरुण एक आपको मैनेज करना है इंटरेस्ट और दूसरा आपको मैनेज करना है इन्फ्लेशन एंड मी टेल यू दोनों दिन रात के जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हाँ यस yes. ये दोनों मेरे और एएफएम के जैसे हैं हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते ये दोनों अपन दोनों के जैसे क्या अब आप मेरे बिना रह सकते हो क्या यू शुड बी वेटिंग कब सर का लेक्चर होगा मुझे और लेक्चर बैठना है ऐसा एटीट्यूड चाहिए क्या बोलते हो चलो सो so, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन ये दो चीज आरबीआई गवर्नर का काम है समझ लो इस बात को अब सुनो अब सुनो अब सुनो ना इससे इन्फ्लेशन कब बढ़ता है इन्फ्लेशन कब बढ़ता है मैंने ना एक हिंट दिया था तुम लोग को जब मैं जिम्बाबे का एग्जाम्पल दे रहा था इन्फ्लेशन कब बढ़ता है यस टेल मी गाइस इन्फ्लेशन कब बढ़ता है बोलो बोलो चल चल जब मार्केट में मैंने लिखा है क्या नहीं पता नहीं मुझे हा ये देखो इधर मैंने लिखा भी है मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज इजी लिक्विडिटी इन द मार्केट बराबर ओ आरबीआई गवर्नर साहब बराबर यस तो इन्फ्लेशन बढ़ने का एक कारण है इजी लिक्विडिटी ये भाई इजीली पब्लिक को लोन मिल रहा है इजीली पब्लिक को पैसा मिल रहा है आराम से बैंक में जाओ ये बैंक चल दो टके पे लोन दे बैंक ने लोन दिया इजी लिक्विडिटी पब्लिक आराम शराब खर्चा कर रहा है इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना है अब आप गवर्नर साहब ओ आरबीआई गवर्नर साहब दो मिनट मेरी बातें सुनिए प्लीज दो मिनट मेरी बातें सुनिए अब हमारी कंट्री है इंडिया से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अब आप एज अ आरबीआई गवर्नर क्या स्टेप लेना चाहोगे क्या से अगर आपको इन्फ्लेशन कम करना है अभी आप इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपको भी पता है आपको डर लगता है सर इन्फ्लेशन बढ़ गया कहीं जिम्बाब्वे हो गया तो भाई इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए तो आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो आप इन्फ्लेशन कैसे कम करोगे क्या लिक्विडिटी कम करके कहना मार्केट में लिक्विडिटी कम करके अरे बोलो बराबर मार्केट में लिक्विडिटी कम आप कैसे करोगे सोच समझ के बताओ मैंने जो चीजें बोली है उसी दायरे में मैं आपको सवाल पूछूंगा हमेशा याद रखना मैंने जो चीजें बताई है उसी दायरे में मैं आपको सवाल पूछूंगा आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया है आप आरबीआई गवर्नर हो आपको टेंशन आ रहा है आप बोलते हो भाई मेरे को लिक्विडिटी कम करना पड़ेगा अब ये लिक्विडिटी कम कैसे करोगे आप सोच समझ के बताना ये लिक्विडिटी आप कैसे कम करोगे वेरी नाइस हाउस ऑफ एक नंबर दीपक कुमार जैन वेरी गुड दीपक दोनों आंसर दे रहे हैं शाणे ऐसा नहीं चलेगा भाई uh, साई प्रसाद परिजात वेरी नाइस nice यार गाइस मैं बताता हूं आपको आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे अब इससे क्या होगा ध्यान से सुनना अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ध्यान <coughs> से सुनना एक तीर दो निशाने कैसे आरबीआई गवर्नर लगाता है इन्फ्लेशन कम बढ़ गया है इन्फ्लेशन को कम करना है तो लिक्विडिटी कम करेंगे लिक्विडिटी कम कैसे करेंगे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के कैसे जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ओवरऑल बढ़ता है ऐसा नहीं फिक्स डिपोजिट पे बढ़ेगा लोन पे नहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं अब लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो कहना इसे लोन मिलना मुश्किल हो गया तो अगर लोन मिलना मुश्किल है सुनो लोन मिलना मुश्किल है मतलब लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का बढ़ गया है सुनो तो आप लोन लेने जाओगे नहीं बराबर है ठीक है अगर आप लोन लोगे नहीं तो आपके पास पैसा आएगा नहीं अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आई से यू विल देन स्टॉप कंज्यूमिंग थिंग्स ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी कम मार्केट में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में दूसरा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आप है ना सेविंग्स करना चालू कर दोगे क्योंकि आपको पता है एफडी पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है चल सेविंग कर तो सेविंग भी करना ज्यादा चालू कर दोगे पैसा मार्केट में कम हो गया है लोन भी कम मिलेगा आपका काम हो गया एक तीर दो निशाने लोगों का सेविंग बढ़ रहा है लोगों को लोन नहीं मिल रहा है मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल लिक्विडिटी कंट्रोल तो मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल क्या समझ में आ गया एवरीबॉडी तो कैसे आप लोग ने खेला समझ में आया क्यों आप, लोग आप लोगों को वो जापान वालों ने आप लोगों को अपॉइंट कर लिया होता तो इंटरेस्ट रेट का आप लोगों को कितना अच्छा रेंड्ट रेंड्ट है है ना बेटा क्या बोलते हो उनको थोड़ा एक रिकमेंडेशन दो चलो अब सुनो कहा भाई पिक्चर अभी बाकी है अब फोकस नहीं छोड़ना है सुनो अब क्या होगा हम्म मोहम्मद तेरे को समझ रहा है बेटा इन्फ्लेशन बढ़ने को अब अप अपन रोक रहे हैं लिक्विडिटी कम करने के लिए कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोन लोग कम लेंगे लोन कम लेंगे तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगा लिक्विडिटी मतलब लोगों को कितना आराम से पैसा मिल रहा है बराबर है इतना समझ गया डन अब अगर लोन कम मिलेगा या लोन का रेट बढ़ गया इंटरेस्ट रेट का बढ़ गया है तो आपने एफडी में डालना चालू कर दिया आप मेरे को बताओ आप मेरे को बताओ इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा कोई मुझे गैस करके बता सकता है इससे स्टॉक मार्केट पे कनेक्ट करता हूं तुम खाली देखो आने वाला पंद्रह मिनट तुम लोगों को स्टॉक मार्केट का राजा बना दूंगा आओ इधर देखो कहना सब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे डिपॉजिट ज्यादा लोन कम इसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स कम हो जाएगा सबसे बड़ा नुकसान बैंकिंग स्टॉक्स को हो होगा क्यों पता है बैंक पैसा कैसे कमाता है इंटरेस्ट पे पे लोन देके तो जो लोन के ऊपर ब्याज मिल रहा है वही तो बैंक का इनकम है और एफडी के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट देना है वो उसका एक्सपेंस है अब उल्टा हो रहा है लोग एफडी ज्यादा करवा रहे मतलब बैंक का इंटरेस्ट बढ़ेगा देने का पैसा बढ़ेगा लोग लोन ले, ले ही नहीं रहे तो बैंक को जो इंटरेस्ट का इनकम मिलता था वो नहीं मिलेगा बैंक का स्टॉक गिरना चालू क्या समझ में आया तुम लोग को यह बात क्या समझ में आया तुम लोग को यह बात मैं जो बोला बहुत हाई लेवल का बात बोला क्यों क्योंकि अभी नो लोन नो इंटरेस्ट नो इनकम समझ में आया क्या बेटा गॉट इट सो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर क्या होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंकिंग स्टॉक्स गिरना चालू होगा कभी नोट करना कभी नोट करना जब फाइनेंस जब आरबीआई का इकोनॉमिक पॉलिसी आता है तब तब ये चीज आप लोग नोट करना अगर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ता है कम होता है ना तो सीधा मार्केट पे ऊपर क्या इंपैक्ट आता है चलो सेकेंड अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो बैंकिंग स्टॉक्स गिरा लॉजिकली समझा समझा इंटरेस्ट रेट अगर गिरा तो आपको मुझे अभी बताना है सोच समझ के बताना क्या आप घर खरीदोगे या घर नहीं खरीदोगे क्या आप घर खरीदोगे या आप घर नहीं खरीदोगे सोच समझ के बताना यस yes. आप घर खरीदोगे या नहीं घर खरीदोगे ठीक है बैंकिंग स्टॉक्स तो कम हो गया समझ गया अब अब आप मुझे बताओ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है घर खरीदोगे या नहीं खरीदोगे जापान ने जब छह का दो टका किया था तो आप घर खरीदने भागे थे यहां पे दो का टका हो रहा है अब आप क्या करोगे घर खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे सोच समझ के पलक सोच समझ के जवाब देना अश्विनी थिंक कैन आंसर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे इंटरेस्ट रेट मतलब लोन पे ऑब्वियसली आप जो ले रहे हो तो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है क्या करोगे आप लोग लोगार कभी बोलती है परचेज करेगी कभी बोलती है विल नॉट बाय नाउ एवरीबॉडी इज गिविंग द करेक्ट आंसर तो क्यों बाय भाई करोगे भाई अपन देखो इंडिया में मैं, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में मेजोरिटी पब्लिक जो घर खरीदती है ना वो लोन पे खरीदती है अब अगर मेरे को लोन पे खरीदना है घर तो सीधी सी बात है कि अगर मेरे को लोन पे खरीदना है तो मेरे को चाहिए लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है ना पब्लिक तो मैं रियल स्टेट खरीदूंगा क्या द आंसर इज नो तो अगर मैं रियल एस्टेट नहीं खरीदूंगा तो रियल एस्टेट का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे बोलो तो रियल एस्टेट का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे कैन आई से डाउन क्योंकि रियल एस्टेट का डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि लोन ही नहीं ले रहे लोग होम लोन क्योंकि महंगा हो गया है समझा अब रियल एस्टेट अगर कम हो गया डिमांड तो लोग जो जो बिल्डर्स है डेवलपर्स है ना इसे वो रियल एस्टेट का अपना इन्वेंट्री कम कर देंगे थोड़ा अपना वो जो रियल एस्टेट का डेवलपमेंट कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे थे वो कम हो जाएगा सीधा इसका इंपैक्ट आएगा सीमेंट सेक्टर स्टील सेक्टर पावर सेक्टर के ऊपर वो भी डाउन हो जाएंगे क्योंकि तो अगर रियल एस्टेट बन ही नहीं रहा है तो रियल एस्टेट बनाने के लिए जो सीमेंट चाहिए स्टील चाहिए वो सब भी यूज नहीं होगा ना पब्लिक समझे क्या सो so, इंफ्रा क्या बोला इंफ्रा स्टील सीमेंट पावर इंडस्ट्री क्या ना है इसे ये सारे के सारे डाउन हो जाएंगे महेश यस बट मेजरली बैंक कहां से कमाता है बैंक का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है बाई गिविंग लोन एंड अर्निंग इंटरेस्ट दैट टेक्स अग हिट समझ में आया क्या गुड टू सी अशरफ आंसरिंग सो बैंकिंग स्टॉक्स गिरा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट गिरा इंफ्रा गिरा स्टील गिरा पावर गिरा तुम लोग नोट करना मार्केट में नोट करना मैं जो बता रहा हूं और लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर ही रहा हूं तुम लोग को टेंशन मत दो अब सुनो सर सब गिरते ही जाएंगे क्या तो पूरा मार्केट ही? तहस नहस क्रैश हो जाएगा नहीं कुछ सेक्टर्स है जो बढ़ेंगे भी और इसमें आता है मेरा सबसे पहला सेक्टर एंड दैट इज फार्मा फार्मा का मतलब क्या होता है से मेडिसिन अब मेरे को एक बात बताओ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या आप दवाई खाना बंद कर दोगे क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बैंकिंग स्टॉक गिरेगा क्योंकि मैं लोन लेना बंद कर दूंगा रियल एस्टेट गिरेगा क्योंकि मैं घर लेना बंद कर दूंगा घर लेना बंद करूंगा तो इन्फ्रा स्टील पावर गिरेगा सब समझ में आया पर क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आप दवाई खाना बंद कर दोगे क्या बोलो बोलो चल चल बोलो <coughs> नहीं सर तो कहना इससे फार्मा फार्मा सुनो तो कहना इससे फार्मा का स्टेडी ग्रोथ रहेगा फार्मा का स्टेडी ग्रोथ रहेगा क्योंकि भाई कोई अपना दवाई खाना बंद नहीं करने वाला है ये इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से सो अब सुनो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है आपको पता है संगल सर के फर्स्ट लेक्चर के बाद कि बैंकिंग स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे इंफ्रा स्टील सीमेंट पावर में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो अब आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे एटलीस्ट आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे स्टेडी ग्रोथ हो रहा है तो फार्मा इधर है बैंकिंग इधर है रियल एस्टेट और ये सब एटलीस्ट नीचे जा रहे तो मैं इनमें ना इन्वेस्ट करके कहना इसे फार्मा में अभी इन्वेस्ट करना चालू करूंगा जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं उनको पास इतना पैसा आता है उनको तो रोज इन्वेस्ट करना ही है कहीं ना कहीं तो वो लोग इधर ना इन्वेस्ट करके कहना इसे फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे इतना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कि फार्मा कुछ ना करके भी ग्रो करना चालू कर देगा भाई वो आगे नहीं गया फार्मा बट बाकी लोग पीछे आ गए वो वो धमाल मूवी याद है धमाल मूवी में आदि होता है वाह मैं तो आगे आया ही नहीं वो आगे नहीं आया बाकी लोग पीछे आ गए समझे क्या सो फार्मा स्टॉक विल ग्रो दूसरा एफ एम सीजी एफ एम सी जी का मतलब कंज्यूमर गुड्स क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब साबुन शैंपू क्या आप नाना बंद कर दोगे क्या आप हफ्ते में चार दिन शैंपू लगाते हो तो हफ्ते में दो ही दिन शैंपू लगाओगे कोई लेना देना ही नहीं है क्या ना इसे ये भी स्टडी रहेगा पब्लिक एफ एम सी जी में इन्वेस्ट करना चालू कर देगा समझ रहे हो इसका इंपैक्ट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है पता है क्या डॉलर का रेट बढ़ जाता है वो कैसे है वो सब फॉरेक्स में बताऊंगा समझ रहे हो सो so, डॉलर का रेट बढ़ गया तो मतलब क्या होगा पता है वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी था ना अब हो जाएगा वन डॉलर इक्वल टू रुपीज नाइनटी ये इंटरेस्ट रेट की वजह से जैसे ये होगा क्या ना इसे अपना आईटी सेक्टर तो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करता है और अगर उसने एक्सपोर्ट किया है तो उसको तो चाहिए कि 80 का 90 हो जाए हो गया आईटी सेक्टर भी बढ़ जाएगा <laughs> समझे, समझे? अब इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो ये जो क्रूड ऑयल है ना ये जो क्रूड ऑयल है ना इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा अब इंडिया गोल्ड भी इंपोर्ट करता है जो भी चीज इंडिया इंपोर्ट करता है ये सब सबका बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि आपका डॉलर 80 के जगह अब 90 हो गया है 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 तो इंडिया क्रूड ऑयल और गोल्ड क्या करता है? करता इंपोर्ट बेटा समझे बट एक लास्ट चीज बता रहा हूं थोड़ी हाई लेवल की चीज है बट मैं आज ही बता दूंगा आगे बहुत इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमेशा ध्यान रखना बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा सबसे पहली बात तो बॉन्ड क्या होता है आपको यह भी नहीं पता होगा बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा दो मिनट दो ना तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कैफे बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा क्या बोलता है पब्लिक बताऊं एक सेकेंड एक सेकेंड बस अब मैं लास्ट बॉन्ड का वैल्यू कैसे गिरेगा ना बताता हूं मैं आप लोग को और फिर बाद में ये वापस से पूरी चीज को एक बार गो करेंगे। प्लीज गिव मी टू मिनट अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो बॉन्ड का मतलब डिबेंचर जैसा होता है बॉन्ड्स इज लाइक डिबेंचर डिबेंचर में अपने को कहना है इससे इंटरेस्ट मिलता है जस्ट गिव इट 5 मिनट्स गाइस बॉन्ड्स का मतलब कहना इसे डिबेंचर के जैसा होता है डिबेंचर के ऊपर अपने को क्या मिलता है इंटरेस्ट बराबर है अब सुनो क्या होता है रिलायंस ने मोटा भाई अपना जो रिलायंस है मोटा भाई मुकेश भाई रिलायंस ने आज से मंडे को बॉन्ड्स इशू किया से 2025 में बॉन्ड इशू किया एट द रेट 8 परसेंट इंटरेस्ट ठीक है एट द रेट 8 परसेंट इंटरेस्ट अब सुनो एक साल बाद 2026 में आरबीआई का पॉलिसी आया और आरबीआई के पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया अब सुनो

कैसे ये इलेवन परसेंट क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट आरबीआई पॉलिसी के बाद बढ़ गया तो अब आज की तारीख में 2026 में अडानी इशू करेगा बॉन्ड्स तो क्या रेट के ऊपर इशू करेगा इलेवन परसेंट के ऊपर अब ऐसा सोचो आपने रिलायंस का बॉन्ड लिया था 2025 में एट द रेट एट ठीक है इसका से बॉन्ड का वैल्यू चल रहा है इसका बॉन्ड का वैल्यू चल रहा है से रुपीज 1005. अब मार्केट में नया बॉन्ड आया है विच इज गिविंग यू अ इंटरेस्ट विच इज गिविंग यू इंटरेस्ट ऑफ इलेवन परसेंट आप मेरे को बताओ आप क्या करोगे आपके पास ऑलरेडी ये बॉन्ड है अब मार्केट में नया बॉन्ड आया है जो इंटरेस्ट ग्यारह परसेंट पे दे रहा है आप मेरे को बताओ आप क्या करोगे आपको बताना है आप क्या करोगे बोलो कमा बोलो बोलो चल चल एवरीबॉडी बताओ 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 क्या करोगे आप ये बॉन्ड को बेचना चालू कर दोगे और ये बॉन्ड खरीदना चालू कर दोगे क्यों क्योंकि आपको यहां पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप ये बॉन्ड को बेचना चालू कर दोगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से रिलायंस बॉन्ड्स जो 2025 में दिया था कि नहीं से इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा जैसे ही सेलिंग प्रेशर आएगा वैल्यू विल डिक्रीज इसका वैल्यू विल डिक्रीज क्यों सेलिंग प्रेशर आएगा बिकॉज नाउ पीपल विल बाय न्यू अडानी बॉन्ड्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला समझ में आया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है क्या हो गया कम हो गया क्योंकि नव पीपल विल स्टार्ट सेलिंग द एग्जिस्टिंग बॉन्ड समझेगी नहीं एट परसेंट बॉन्ड सेल करके इलेवन परसेंट खरीदोगे दिस इज वॉट विल टेक द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डै एवरीबॉडी <laughs> कैसा लगा मैजिक लग रहा है सर बस यही सुनना था बस हो गया हो गया हो गया हो गया आज का सेशन एक नंबर मैं बोला था ना ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा ना फर्स्ट सेशन में कि आपको लगेगा कि यार दिल खुश हो गया अब सुनो अब सुनो अब क्या ये एक ये सिस्टम समझ में आया पूरा सिस्टम समझ में आया तुम लोगों को देखते हैं अब पांच मिनट में वापस से पूरा मैं ऑसम सेशन थैंक यू अब सुनो पांच मिनट में ये पूरा का पूरा आरबीआई वाला गवर्नर वाला चीज रिपीट करते हैं तो है, है, रिप्लाई नहीं किया ना कमेंट्स के ऊपर तो फिर देखो फिर मैं आगे कल से एग्जांपल्स दूंगा ही नहीं ऐसे कल से फिर बाद में एग्जांपल नहीं दूंगा भाई ताली दोनों हाथ से बदनी चाहिए मैंने पहले ही बोला था तुम लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं भी नहीं दूंगा जाओ मैं भी बुरा मान जाऊंगा अरे ग्रेट सेशन बाद में अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त पूछूंगा तुम्हारा फीडबैक लूंगा बोलो जल्दी चलो आरबीआई गवर्नर को दो चीज का टेंशन है क्या नाइस nice. इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन दर अगर इंटरेस्ट रेट को बराबर मैनेज नहीं किया तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी और इन्फ्लेशन को बराबर मैनेज नहीं किया तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी बोलो बोलो टेल टेल आ, इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं किया <coughs> तो हालत <coughs> जिम्बाब्वे जैसी हो जाएगी इन्फ्लेशन का हो जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन <coughs> और इंटरेस्ट रेट को मैनेज नहीं किया तो क्या होगा इंटरेस्ट रेट को मैनेज नहीं किया तो क्या होगा तो हो जाएगी हालत जापानीज़ एसेट बबल के जैसी यानी स्टैगफ्लेशन अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो अब समझो आप आरबीआई गवर्नर हैं बहुत-बहुत बधाई -बहुत हो आपको आप आरबीआई के गवर्नर हैं अब अगर आप आरबीआई के गवर्नर हैं देन इन दैट केस समझो मैं आपको बताऊं आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आप क्या करना चाहोगे तो आप बोलो आप क्या करना चाहोगे सबसे पहला काम है आप लिक्विडिटी को कंट्रोल करना चाहोगे तो लिक्विडिटी आप कम करना चाहोगे कैसे कम करोगे लिक्विडिटी बताओ अब तुम लोग को बोलते जाना एक एक चीज कैसे कम करोगे लिक्विडिटी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लिक्विडिटी मैनेज करना है कैसे करोगे तो ये देखो मैं बोलो ना दोनों साथ में ही चलते हैं इन्फ्लेशन लिक्विडिटी इन्फ्लेशन लिक्विडिटी फिर आपको लगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है चलो इंटरेस्ट रेट को फिर अपन कम करके इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे वापस से मार्केट अलग लेवल पे जाएगा ये सब चीज कैट एंड चालू रहता है अभी फिलहाल मुझे बताओ इन्फ्लेशन बढ़ गया है है उसको इन, लिक्विडिटी को मैनेज करना है, क्या करूं क्या करूं ओह आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे प्रिया जी चेरी जी अश्विनी अश्रफ अमृता साई प्रसाद एक्सेट्रा चलो सो आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे जय बात अच्छा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक गिरेगा सबसे पहले कौन सा स्टॉक गिरेगा बोलो बोलो टेल टेल और क्यों चलो क्यों तो आप लोगों को पता है कौन सा स्टॉक गिरेगा सबसे पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्योंकि आपको लिक्विडिटी मैनेज करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा कौन सा स्टॉक गिरेगा अच्छा वो स्टॉक के साथ साथ और कौन से स्टॉक्स गिरते जाएंगे क्यों एवरीबॉडी करेक्ट सबसे पहले आपका स्टॉक्स दैट विल गो डाउन स्टॉक्स स्टॉक्स दैट विल गो डाउन बोलो बोलो टेल टेल कौन से कौन से कौन से करेक्ट आपका बैंकिंग स्टॉक मोर so, क्या होगा अभी लोग डिपॉजिट ज्यादा करना चालू कर देंगे लोग करेंगे तो बैंक के लिए डिपॉजिट एक खर्चा है लोग लोन लेना कम चालू कर देंगे लोग लोन कम लेंगे तो बैंक के लिए इनकम कम अरे और अब लोन कम लिया तो पब्लिक रियल एस्टेट में कम डालेगा रियल एस्टेट में कम डालेगा तो इंफ्रा गिरेगा इंफ्रा गिरेगा तो सीमेंट का जरूरत नहीं सीमेंट का जरूरत नहीं तो स्टील का भी जरूरत नहीं स्टील का जरूरत नहीं तो पावर का भी जरूरत नहीं ये सारा सेक्टर गिरेगा but, 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 but. किसी का नुकसान तो कभी किसी का फायदा होगा कौन से सेक्टर्स का फायदा होगा बोलो सेक्टर्स दैट विल गो अप सेक्टर्स दैट विल गो अपल टेल करेक्ट कैन आई से फार्मा भाई दवाई थोड़ी खाना कम कर देगा कैन आई एफ एम सी जी भाई नाना थोड़ी कम कर देगा कैन आई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों क्योंकि अब मेरा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो ये सारे सेक्टर ऊपर जाएंगे अच्छा डॉलर का क्या होगा डॉलर डॉलर इंक्रीज ठीक है अच्छा मुझे एक बात बताओ क्रूड ऑयल का क्या होगा क्रूड ऑयल अपन है ना इंपोर्ट करते हैं अगर क्रूड ऑयल और गोल्ड ये दोनों चीजें अपन क्या करते हैं इंपोर्ट अगर अपन इंपोर्ट कर रहे हैं तो इनका भी प्राइस बढ़ जाएगा बट 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 बॉन्ड का क्या होगा बॉन्ड का ये बोलो ना बोलो ना बोलो बोलो टेल टेल अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड के वैल्यू का क्या होगा बॉन्ड का वैल्यू डिक्रीज होगा क्यों क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो अब सब नए बॉन्ड के पास जाएंगे जिसका हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पुरानों को बेच देंगे अगर वो बेचते गए तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा विद आई रेस्ट माय केस योर ऑनर बोले तो कैसा लगा सेशन अब बताओ मुझे चलो चलो लाइव में अब मैं ये लाइव को एंड कर रहा हूं

अच्छा लगा ये एडजेक्टिव सुन के ठीक है सेशन योर नेम लोकेशन रेडी टू लॉक एटी प्लस मैं देख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा आपका नाम सेव कर लूंगा। तो नेक्स्ट टाइम डाउट पूछोगे तो मुझे बता रहेगा हाँ उसका नंबर मैंने नाम मैंने सेव करके रखा है राइट right? चलो ये स्टोरी पे इनके इंस्टा पे डाल रहे हो तो टैग कर देना व्हाट्सएप डाल रहे दैट दीज आर देश एम That you are always going to remember. <laughs> कल अपन एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे यादव जी चलो अब मैं ये सेशन को एंड कर रहा हूं तुम लोगों को ये मुझे देना है एंड uh, फिर आई जस्ट शेयर दिस थिंग ऑन टेलीग्राम एंड अगर आज आपने ये सेशन अटेंड किया था देन इन दैट केस डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स दैट कैसा लगा आपको ये लाइव सेशन अस्तला विस्तार आपको और सेशन चाहिए ऐसे बाकी लोग जो देख रहे हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट्स टेक केयर कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच बाय मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस लाइव ऑन यूट्यूब एट 7:30